अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ रिलेटिंग टू इन्वेंट्री परचेज एंड सेल। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो है वो बेसिक है इन दोनों मॉड्यूल का, जो आपका परचेज मॉड्यूल है और जो सेल्स मॉड्यूल है। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री की कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखें कि इन्वेंट्री का जब हम जिक्र करते हैं इट मीन्स के स्टॉक आइटम, टेंजिबल आइटम्स। ठीक है, हर जो आइटम हमने स्टोर करनी है कहीं ना कहीं, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई नेम रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इस आइडेंटिफिकेशन को बेसिकली आइटम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसकी बेस पे हम आइटम को रजिस्टर करते हैं। वो आइटम रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। ठीक है, हर एक आइटम जिसको हमने मैनेज करना है उसकी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। उसकी रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आइटम पे काफी सारे कंट्रोल्स भी होते हैं, जैसे कुछ आइटम आज का आइटम ओपन भी की, फिर आपने देखा कि हमने आइटम के साथ अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन भी की हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि अगर ये आइटम कहीं पे यूज होती है ट्रांजेक्शन में तो उस आइटम को डील कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए जो आइटम की कॉन्फ़िगरेशन हैं उसके ऊपर हमने अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन की है, उसके ऊपर कुछ हमने कंट्रोल्स की कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे की कंट्रोल्स की। फॉर एग्जांपल, ये आइटम स्टॉकेबल है, रिप्लेसेबल है, ठीक है, कंज्यूमेबल है, या कौन सी नेचर है, किस वे में हमने इसको डील करना है। तो इन्वेंट्री के पार्ट में एक आइटम को समझना, आइटम के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो भी इन्वेंट्री मैनेज होती है वो आइटम वाइज मैनेज होती है, उनकी आइटम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अच्छा, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका वो है कंट्रोल्स। वो है स्टोर्स, वेयर हाउस भी कहते हैं इसको, वेयर हाउसेज और स्टोर्स। तो ये जो वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज में आप याद रखें कि जो भी हमारे पास इन्वेंट्री है ये हमने किसी ना किसी वेयर हाउस में उसको स्टोर करना है। ठीक है, यानी वेयर हाउस से मुराद है कि ऐसी लोकेशन। और याद रखें जब हम बात कर रहे हैं आइटम्स की, तो आइटम एक फिजिकल, एक टेंजिबल आइटम है ना। टेंजिबल आइटम से मुराद वो आइटम जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, और टेंजिबल आइटम्स के साथ उसको आपने कहीं ना कहीं प्लेस करना है। ठीक है, जिस जगह उसको प्लेस करना है, उसको मैनेज करना है, वो जो एरिया है वो या वेयर हाउस कराता है या उसको स्टोर कहते हैं। ठीक है, तो जब ये स्टोर्स हम यहाँ पे इस मॉड्यूल में डिफाइन करेंगे, ठीक है, अब ये आप पे होता है कि आप स्टोर वाइज भी प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कि यानी ये वाली जो आइटम है ये सिर्फ स्टोर्स में आए। ठीक है, या फिर ये होता है कि आप ओपन स्टोर्स भी रख सकते हो। स्टोर कैसे हो, किस जगह पे हो, ये सारे का सारा बेसिकली इस कंपनी के फिजिकल लोकेशन के ऊपर बेस करता है कि उसकी फिजिकल लोकेशन क्या क्या है। अच्छा, नॉर्मली जो इन्वेंट्री की कैटेगरीज होती हैं वो इस टाइप की कुछ होती हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास जो मेजर मटेरियल्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट्स है जिससे प्रोडक्ट बनती है मैन्युफैक्चरिंग में। अब रॉ में पैकिंग की भी आप एक सेपरेट टाइप की लोग ले लेते हो, कुछ लोग उसको रॉ में डील कर लेते हैं। पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट टाइप है वो पैकिंग मटेरियल्स। उसके अलावा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप प्रोड्यूस करके इसको सेल करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ सेमी फिनिश भी आप स्टॉक मेंटेन करते हैं। सेमी फिनिश से मुराद ये है कि आप उसको हाफ प्रोड्यूस करके उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं, नीड बेस पे आप उसको फुल में कन्वर्ट कर देते हो। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो सेमी फिनिश फॉर्म में होती हैं। और इसके अलावा जनरल आइटम्स,
जनरल आइटम्स किसी भी तरह की जो मटेरियल्स वगैरह हैं ये वो कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। अब टाइप अपनी मर्जी की बनाई सकती हैं, कुछ लोग जनरल आइटम्स में सिविल इंजीनियरिंग सारी चीज़ इसी में कवर कर लेते हैं, कुछ लोग बेसिकली जनरल आइटम से हट के इंजीनियरिंग आइटम्स को सेपरेट कर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आइटम्स आ जाती हैं। कुछ लोग सिविल की आइटम्स को भी इसी का पार्ट बना देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेमी फिनिश, जनरल इंजीनियरिंग और आपकी बाकी जो कैटेगरीज हैं वो हम जनरल में भी कवर कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह आइटम की मल्टीपल टाइप्स और कैटेगरीज होती हैं। तो ये हम मटेरियल्स की कैटेगरीज भी बेसिकली इनके रिपोर्टिंग और कंट्रोल पर्पस के लिए लगाते हैं। रिपोर्टिंग और कंट्रोल पर्पस से मुराद ये है कि हम कैटेगरी वाइज भी अगर आइटम पे कंट्रोल लगाना चाहें हम वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम इनकी अकाउंटिंग सेपरेट करना चाहें या हम इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर भी ये कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास स्टोर्स भी सेपरेट हो सकते हैं। कहीं भी होता है कि आपका रॉ मटेरियल का सेपरेट स्टोर है, पैकिंग मटेरियल का सेपरेट है किसी का, ये दोनों स्टोर इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये स्टोर्स किस तरह बनेंगे, जो आपकी फिजिकल स्टॉक्स की मैनेजमेंट है बेसिकली वही आपके स्टोर्स होंगे, ठीक है। जैसे आप उनको मैनेज कर रहे हैं, अब ये नहीं होगा कि आपका स्टोर आप अपनी मर्जी का बनाए मगर फिजिकली डिफरेंट कर रहे हो। तो सिंपली स्पीकिंग के ये स्टोर्स वो पॉकेट्स हैं, वो एरियाज हैं जहां पे आप चीजें रखते हो और चीजें निकालते हो, ठीक है। इसलिए हर स्टोर अपनी इन्वेंट्री मैनेज करता है। तो जो आइटम स्टॉक मैनेजमेंट है वो आइटम लेवल पे होती है, स्टॉक मैनेजमेंट जो है वो स्टोर लेवल पे होती है। अच्छा, कुछ कंपनीज या बिजनेसेस ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमें जो स्टोर स्टॉक है ना, मैं ये भी यहाँ ऐड कर देता हूँ, की कंपोनेंट है आइटम लेवल। इस पे स्टॉक मैनेज होता है कि हर आइटम का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टोर लेवल पे मैनेज होता है कि स्टोर में जो आइटम्स हैं उनका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, हर स्टोर में कितनी आइटम्स हैं उनका क्या क्या स्टॉक है। फिर कुछ कंपनीज में बेसिकली ब्रांच लेवल पे, एक ब्रांच पे जो भी स्टोर्स हैं या जो भी आइटम्स हैं उनका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो मैनेज होता है। अब एक कंपनी की चार ब्रांचेस हैं तो चार ब्रांचेस में कितना है, इसके अलावा ग्रुप लेवल के ऊपर, सॉरी कंपनी लेवल के ऊपर, कंपनी में जितनी भी ब्रांचेस हैं उस पे किसी एक प्रोडक्ट का जितना भी स्टॉक है वो सारे का सारा स्टॉक मुझे बता दे या दिखा दे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं, कुछ बिजनेसेस की नेचर ऐसी होती है वो आइटम लेवल से भी नेक्स्ट लेवल पे स्टॉक मेंटेन करते हैं। बेसिकली ये लेवल होता है लॉट लेवल। वो कहते हैं कि हमें एक आइटम की भी जितनी लॉट्स, लॉट्स का मतलब है वो उसकी एक्सपायरी डिफरेंट हो सकती है, उसकी बाइंग डेट एंड टाइम डिफरेंट हो सकता है, उसकी उसका सप्लाई डिफरेंट हो सकता है, तो हमें लॉट लेवल पे स्टॉक चाहिए, ठीक है। कि हर लॉट के अगेंस्ट के कौन सी चीज मैंने कब कब बाई की, ठीक है, हर लॉट की डिटेल। जैसे आप फार्मा में लॉट वाइज स्टॉक मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फार्मा एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है। आपने बेसिकली ट्रैकिंग करनी होती है कि किसी भी कंपोनेंट में, प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में जो स्टॉक हमने मटेरियल यूज किया है वो किस सप्लायर से आया था, ठीक है, उसकी लॉट कौन सी थी, वो लॉट एक्टिव थी या एक्सपायर तो नहीं होगी थी। तो ऐसी बहुत सारी नेचर की वजह से कई सी जगह पे आपको आइटम लेवल का भी जो स्टॉक है वो मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज कुछ ट्रेडिंग फर्म्स हैं वो ये स्टॉक मैनेज करती हैं, ठीक है। अब एक ट्रेडिंग फर्म के पास अगर हम आ जाएं तो ट्रेडिंग फर्म के पास नॉर्मली रॉ पैकिंग मटेरियल्स नहीं होते, वो फिनिश गुड्स को लेती है, फिनिश गुड्स को सेल कर देती है। तो ट्रेडिंग में ये आसान होता है, ठीक है, या उनके थोड़े से जनरल आइटम्स होते हैं। ये ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में होता है कि जहाँ पे अपने आइटम्स और उनके स्टॉक्स को डिफरेंटली मैनेज करना हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं, जैसे हम अगर बात करें उस्मान, आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो सबसे पहले आइटम्स में डिफाइन होगी। आप मेरे ख्याल में ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा ही है ना? जी सर, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो ट्रेडिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो डिफाइन होंगी और फिर उन प्रोडक्ट्स के स्टॉक मेंटेन होंगे। स्टॉक से मुराद है आ रही हैं कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली एक इन्वेंट्री में स्टॉक इन और आउट किस किस प्लेस पे होता है हम वो भी देख लेते हैं यहाँ पे।
सर मेरा क्वेश्चन है सर, जी जी जैसे एक कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी नेचर थोड़ी डिफरेंट तरह की होती है, जैसे मीट हो गया, तो उसके लिए तो वैसे रॉ मटेरियल तो कुछ नहीं होता, ना ही कोई उस पर प्रोसेस होता है, उसको तो बस उन्होंने एक डिफरेंशिएशन करनी होती है कि ये मतलब इस हिस्से का गोश्त है, इस हिस्से का गोश्त है, फिर उस हिसाब से उन्होंने सेल करना होता है, तो उसकी कैसे फिर करेंगे क्लासिफिकेशन? आपने मीट की बात की, और आपने जो मीट है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं या यानी या कहीं से बाई करके वे सेल आउट करते हैं? सर बकरे से लेते हैं, वो बकरा पकड़ के। हाँ यानी अपना प्रोसेस है ना, आप लोग स्लॉटरिंग का अपना प्रोसेस जी है। तो ऐसी सूरत में बेसिकली क्या होगा कि दो ऑप्शन है, या तो आप कन्वर्जन का प्रोसेस ले लें। आप देखें, आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोसेस है कि आपका टोटल मीट कितना ड्राइव हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक जानवर से आपका जो मीट है, आप मीट को एज ए इनपुट ले लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो हम जानवर बड़ा ले लेते हैं कि 80 kg आपका जो मीट है, ठीक है। आपने एज ए इन जो क्वांटिटी ली है वो 80 kg ली है, उसके बाद जितना जितना सेल हो रहा है वो उतना आउट होता रहेगा, ठीक है। ये तो आप उस POS से भी मैनेज कर सकते हो, अगर शॉप पे मैनेज कर रहे हो तो ये POS से मैनेज हो जाएगा कि इन क्वांटिटी कितनी थी, बाकी सेल से खुद ब खुद आउट होती रहेगी। नहीं सर, जैसे फ्रोजन आइटम्स होती हैं, जैसे वो रिब्स का अलग होता है, उसके बाद वो अब बाकी रान वगैरह का अलग, देखिए, उसका जितनी आइटम्स हैं दस्तगीर, ये जितनी आइटम्स हैं सब के आइटम कोड खुलेंगे, ठीक है। आप मतलब मीट लिखोगे, जो फिब्स हैं या चेस्ट है या लेग है या विंग्स हैं, जितने भी हैं ना, ये सारे एज ए आइटम ओपन होंगे। याद रखो, आइटम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पैकिंग में सेल करते हो तो आप उसको पैकिंग में ही ओपन कर कोड ओपन करोगे और पैकिंग में सेल करोगे। अगर आप ओपन सेल करते हो तो आप उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट kg लिखोगे, ठीक है। वो जितने kg जाता रहेगा उतना सेल होता रहेगा। तो जितनी तरह की आपके पास आइटम है उतने ही आइटम कोड खुलने हैं, क्योंकि देखो हर आइटम सेपरेट है ना, जी ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपको सिक्के जमा करने का शौक है, ठीक है। अब आपके पास मल्टीपल कंट्रीज के कॉइन्स हैं, पाकिस्तान के कॉइन्स हैं, तो अब आप उनकी इन्वेंट्री अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना चाह रहे हो, तो देखो आप जब एक्सेल में भी एक फाइल बनाओगे तो आप हर जो कॉइन है उसका नेम लिखोगे ना, और उसके आगे उसकी क्वांटिटी लिखोगे कि ये मेरे पास जी कितने हैं। सेम मॉडल के ऊपर आपका ये इन्वेंट्री वर्क कर रही होती है कि आपने जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी उनकी रजिस्ट्रेशन की, फिर उनको उनकी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उनकी क्वांटिटी मैनेज की, ठीक है। तो ये ठीक है, मेथड है इसका। इस पे बहुत कोई सही, क्वेश्चन है तो पूछें। बहुत शुक्रिया सर। हाँ वेलकम दस्वीर, क्लियर हुआ? जी ठीक सर, है, हो गया। चलें। मोहसिन, आपका क्वेश्चन क्या है? मीट प्रोसेसर रिलेटेड, आप प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं उसकी? नो नो सर, मैं ऐड करना चाहता था बेसिकली भाई के क्वेश्चन पे। बेसिकली इन आवर इंडस्ट्री, मैं जहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि आइटम कोड कौन से खोलेंगे, बेसिकली डिपेंड्स करता है कि सर आपने बताया कि आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप लेके सेल आउट कर रहे हैं। अगर तो हम उसको इनके प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पहले हम रॉ लेंगे, रॉ चिकन, रॉ मीट, रॉ बीफ, फिर उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस है एज पर हमारा बिल ऑफ मटेरियल, उसके अंदर से चिकन विंग्स क्या निकल रहे हैं, उसका कोड होगा बाय प्रोडक्ट का, उसके अंदर से बोनलेस कौन सा निकल रहा है, थाई कौन सा निकल रहा है, पार्ट्स की प्रोडक्शन डलेगी, वेस्टेज डलेगी, फिर फाइनल प्रोडक्शन होगी, फिर रह गया उनकी इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होगी, तो उसमें मैरिनेटेड स्टॉक की इन्वेंट्री सेपरेट होती है, जस्ट लाइक आपने सब बताया सेमी फिनिश्ड, और बाकी मीट कैटेगरी जो हमने प्योरली चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई बना के सेल आउट करनी है, उनकी इन्वेंट्री सेपरेट मेंटेन होती है, तो मीट के रिलेटेड भी हमारे पास स्टॉक लेवल पे, और जिस तरह हमने बताया कि उसका सेमी फिनिश और उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, और ये रूटीन प्रैक्टिस है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी सूरत में देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग जी सर, मतलब कन्वर्जन प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें बिल्कुल आप सर, सारी सारी कन्वर्जन को डील करेंगे। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने स्टॉक इन किया और उसको आउट कर दिया, इसके लिए मैंने कहा अगर शॉप है आपकी ट्रेडिंग में तो आप वहां पे POS चलाएं, फिर इन्वेंट्री का मॉड्यूल शायद आपको रन करने की जरूरत भी नहीं है, एग्जैक्टली सर, क्योंकि आप जिस फॉर्म में लेते हो ना उसको सिर्फ उसकी पैकिंग चेंज करते हो, या सेम पैकिंग में सेल आउट कर देते हो, या फिर आप उसको मुख्तलिफ यूनिट्स में सेल आउट करते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप US से डील कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा,
अच्छा यहाँ पे मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि नॉर्मली स्टॉक इन कहाँ कहाँ से होता है और आउट कहाँ कहाँ से होता है, किसी भी जो इन्वेंट्री में स्टॉक इन इनके पॉइंट कौन कौन से हैं। कौन बताएगा? अरे घबरा गए हो यार। जीआरएन, गुड्स रिसीव नोट परचेज में से। जी सर, हम इसको बाय प्रोडक्ट भी होती है, हम परचेज भी कर रहे होते हैं, इसको प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर तो आप परचेज करके इन कर रहे हो तो ये जीआरएन से डलेगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करके कर रहे हो तो ये आपका डलेगा प्रोडक्शन नोट से। ठीक है, जितनी आपकी फिनिश गुड है ना, ये फाइनल आउटपुट है, वो आप फिनिश गुड के मॉड्यूल में जो फिनिश ट्रांसफर का फॉर्म है वहां से करोगे। ठीक है, और कहां से हो सकता है? बताएं बताएं क्विकली। बड़ा आसान है ये तो, आप एडजस्टमेंट से ला सकते हो। ठीक है, स्टॉक जब ओपनिंग स्टॉक वगैरह डालते हैं या एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट से दोनों चीजें हो सकती हैं, स्टॉक इन भी होता है, स्टॉक आउट भी होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट से आप दोनों ले सकते हो, और इसके अलावा कौन सा पॉइंट हो सकता है स्टॉक आउट का? डिलीवरी नोट सेल के मॉड्यूल से, जब आप डिलीवर कर देते हो डिलीवरी नोट से स्टॉक आउट हो जाता है। ठीक है, और सर कई बार इन इन ट्रांजिट भी होता है तो हम इनवॉइसेस सेंड कर देते हैं। एक मिनट है ना, स्टोर इशू नोट। सॉरी, किसका क्वेश्चन था अभी? सर क्वेश्चन नहीं था, मैंने कहा कई बार वो हमारी डिलीवरी भी होती है, इन ट्रांजिट भी होती है तो हम इनवॉइसेस भेज देते हैं पहले। देखो, हमेशा याद रखो, इन्वेंट्री में जब एक्चुअल स्टॉक की मूवमेंट होगी, मूव इन होगा तो इन करेंगे, आउट होगा तो आउट करेंगे, नहीं तो आपका स्टॉक कभी भी बैलेंस या रिकॉन्साइल नहीं होना। ठीक है, इसका 100% रिलेशन आपकी, अभी कैशियर है, जैसे कैशियर देखो कैश की इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है ना, काम वो भी यही कर रहा है, बस वो कैश की इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल वो अभी कैश आ रहा हो, वो ट्रांजेक्शन डाल दे के आ गया, अभी जा रहा हो वो डाल दे के चला गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल इन आउट पे ट्रांजैक्शन डालनी है आपने। जी, और क्या हो सकता है यहाँ पे? स्टॉक इन, सेल रिटर्न से। ठीक है, आपकी सेल रिटर्न डली, आपका स्टॉक वापस आ गया दोबारा आपके स्टोर में, यानी ये चीजें बता रही है ना कि स्टोर में स्टॉक इन कहाँ से होता है, स्टोर में स्टॉक आउट कहाँ से होता है। ठीक है, और आउट कैसे होगा? परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न से। अच्छा, और इसके अलावा इन या आउट कैसे हो सकता है? स्टोर ट्रांसफर से, बिटवीन द स्टोर ट्रांसफर डलती है, एक स्टोर से दूसरे स्टोर में। ठीक है, एक से आउट हुआ दूसरे में इन हो गया, इससे हो सकता है। और देखो, स्टोर इशू नोट डला, स्टोर इशू रिटर्न भी डल सकता है, यानी एक डिपार्टमेंट ने इन्वेंट्री इशू करवा ली स्टेशनरी की, मगर बाद में वापस कर दी, ये अजाफी है, इससे भी डल सकता है। और कोई पॉइंट? जीआरएन आ गया, प्रोडक्शन नोट आ गया, एडजस्टमेंट आ गई, सेल रिटर्न आ गई है, स्टोर ट्रांसफर आ गया है, और स्टोर इशू नोट आ गया, एडजस्टमेंट डिलीवरी नोट से गया, स्टोर इशू नोट से बाहर गया,
परचेज रिटर्न से गया है और हमारा स्टोर ट्रांसफर आउट, इसमें कोई रैग तो नहीं गया शकील मोइन? नहीं सर, तकरीबन पूरे हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं, याद रखें, ये यानी पॉइंट से मुराद है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहां से आपकी इन्वेंट्री की ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, आपकी जब इनके ऊपर कमांड होगी ना, तो आप इन्वेंट्री का मेजर पार्ट कवर कर सकते हो, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां से स्टॉक इन होना है, स्टॉक आउट होना है। ठीक है, और ईआरपी में जो हर फॉर्म है ना, तो वो ऐसा फॉर्म होता है इस मॉड्यूल में कि उस पे इन्वेंट्री इन आउट हो रही हो। ठीक है, बहुत सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो सिर्फ प्रोसेस के कंट्रोलिंग फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म्स हैं जो इन्वेंट्री के फॉर्म है जिससे इन्वेंट्री इन आउट होती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, उसमें से कुछ लोग जवाब दें, जैसे मोइन आप ना देना जवाब, के इनमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम किस किस फॉर्म के ऊपर डालेंगे? जो हमारी अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो इनमें से किस फॉर्म के ऊपर होगी? कोई से ऐसे तीन फॉर्म कौन से हो सकते हैं जिनसे अकाउंटिंग की बुकिंग हो? जीआरएन, जीआरएन, शेयर रिटर्न, सर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल। ये डेबिट क्रेडिट नोट इन्वेंटरी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, याद रखिए, वो अकाउंटिंग के हैं। आपने फाइनेंशियल को पूछा ना सर? मैंने इनमें से पूछा है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस इस पे डलेगी? सेल रिटर्न पे और परचेज रिटर्न पे। सेल और परचेज रिटर्न पे, ठीक है। और सर डिलीवरी नोट पे नहीं डलेगी? जब डिलीवरी नोट पे भी डलेगी, उसमें तो डबल वाउचर डलता है जी। सोचे सर, एडजस्टमेंट पे भी डलेगी सर? नहीं, अब तय कर ले पहले डली किस पे है, जरा गौर करें, इनमें से कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे फाइनेंशियल वाउचर डलेगा, यानी फाइनेंशियल वाउचर से मुराद है इसके पीछे अकाउंटिंग होगी। स्टॉक ट्रांसफरिंग, शकील ओडो में स्टॉक ट्रांसफर पे डालता है वाउचर? नहीं। ओके, ठीक हो गया। चलें, मैं सिर्फ, क्योंकि नॉर्मली हम अपने सिस्टम में इनके ऊपर भी वाउचर्स डलवाते थे, क्योंकि हम स्टोर वाइज वैल्यू और अकाउंटिंग के लेजर्स के साथ हमने इसकी मैपिंग की हुई थी। तो यहाँ से अगर मैं ये निकाल दूं, तो आपके जितने भी इसके अलावा, इन दो के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है ना, सब पे अकाउंटिंग होती है, याद रखिए, ये सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। सिंपली स्पीकिंग आपने याद रखना है, हर वो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके मैं नाम ले रहा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हर वो डॉक्यूमेंट्स जिससे इन्वेंट्री की मूवमेंट होती है, उस डॉक्यूमेंट पे अकाउंटिंग भी क्रिएट होती है, ये आपने कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, ये कोर कंसेप्ट है, मैं रिपीट करता हूं, हर वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर इन्वेंट्री की मूवमेंट होती है, उससे क्या होता है कि उससे अकाउंटिंग का वाउचर भी डलता है। ठीक है, तो अभी आप जब वर्क फ्लो देखोगे, तो वर्क फ्लो में आप याद रखना कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप देखोगे, जैसे आप परचेज रेक्विजिशन है, उसके ऊपर आइटम सिलेक्ट हो रही होगी, मगर उसके पीछे अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्रोसेस का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसके अलावा आप परचेज ऑर्डर, ठीक है, परचेज ऑर्डर पे आइटम सब डिटेल होती है, मगर वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके ऊपर फाइनेंशियल वाउचर नहीं डलता। ठीक है, फाइनेंशियल वाउचर जाके डलता है जीआरएन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टोर ट्रांसफर इन और आउट पे इसलिए नहीं डालता, क्योंकि वो विद इन अ सिस्टम ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट को वो इन ट्रांजिट में खुद ही मैनेज कर लेता होगा, उसकी वैल्यू इधर उधर मूव नहीं करता। नंबर टू, इसको इन्वेंटरी से मैनेज करता है, फाइनेंशियल से मैनेज नहीं करता होगा, क्योंकि जो मूवमेंट है एक स्टोर से दूसरे स्टोर के अंदर, सिर्फ इन्वेंटरी की मूवमेंट वो कर रहा है, वैल्यू तो सेम है। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट के ऊपर वाउचर नहीं लिया हुआ। तो क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें,
सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है ना, याद रखें ये इन्वेंटरी और इसकी मैनेजमेंट है, ये कोर कंसेप्ट है। अगर आपको ये समझ आ जाएंगे आप इन्वेंटरी का सारा फ्लो समझ लोगे बड़ी आसानी से। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो शकील ओवर टू यू, आप काइंडली स्टार्ट करें इन्वेंटरी की रजिस्ट्रेशन वगैरह से, और फिर हमारे पास अगर इतना टाइम होता है तो सेल और परचेज के फ्लो भी आप दिखा दें। अब इसमें हम नेक्स्ट फ्लो नहीं दिखाएंगे, जो हम अकाउंटिंग में दिखा देंगे वो सिर्फ बताएंगे। आप अभी स्टार्ट करें प्लीज, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ अपनी। जी स्क्रीन शो हो गई है मेरी। अच्छा, हम इन्वेंट्री में जाएंगे क्योंकि अब इन्वेंट्री हमारा अगला टॉपिक है, तो सबसे पहले हम इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम कोई ट्रांजैक्शंस करके देखेंगे कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस, चूँकि फोकस हमारा कॉन्फ़िगरेशंस है तो कॉन्फ़िगरेशन देख के उसके बाद हम कुछ ट्रांजैक्शंस भी करेंगे। अच्छा, पैकेजेस हम अपनी इन्वेंट्री में डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इन्वेंट्री जब आप डिलीवरी कर रहे हैं कुछ, तो आप पैकिंग करना चाह रहे हैं और पैकेज बना के आप डिलीवरी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो आप पैकेजेस का ऑप्शन ओडो में ऑन कर सकते हैं। तो फिर वो आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या आपको प्रोडक्ट के ऊपर भी इवन पैकेजेस डिफाइन करने का ऑप्शन दे देता है कि आप उस प्रोडक्ट के पैकेज डिफाइन कर लें कि किस पैकेजेस में आप उसको डिलीवर करते हैं। तो फिर आप ये होता है कि जब आप डिलीवरी डालने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पैकेज सेलेक्ट हो जाता है या आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप वो पैकेज सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली ये पैकिंग डिफाइन करने का ऑप्शन है कि आप आइटम की पैकिंग डिफाइन कर लें। तो उसके बाद ये है कि वार्निंग्स, ये जस्ट लाइक वही वार्निंग्स है जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आप ये वार्निंग्स ऑन कर लें तो फिर इन्वेंट्री में जो आपकी वो ट्रांजैक्शंस हैं उस पार्टनर से रिलेटेड जिसके ऊपर आपने वार्निंग्स ऑन की हुई हैं वो आपको या तो रोक देगा या आपको मैसेज देगा कि इसके ऊपर ये फलां, जो मैसेज आपने सेट किया होगा कि फलां रीज़न की वजह से इसके साथ या तो बिजनेस स्टॉप है या आप सिर्फ वार्निंग देना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप वार्निंग दे दें। उसके बाद बैच ट्रांसफर का ऑप्शन है, प्रोसेस ट्रांसफर्स इन बैच पर वर्कर। ये बेसिकली ये है कि जो ट्रांसफर होता है ना, ये उर्दू में ये भी आप असाइन कर सकते हैं रेलेवेंट वर्कर को। ज़्यादा ये प्रोडक्शन में वैसे यूज़ होता है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर डालते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आपको ट्रांसफर्स चाहिए जो सिस्टम में डलते हैं कि आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए ये आइटम्स चाहिए, तो जितने भी ट्रांसफर डलते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के, फॉर एग्जांपल आपने अभी मैंने एक आइटम डिफाइन किया टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए आपको जो वुड चाहिए या उसकी लेग्स चाहिए या टेबल टॉप चाहिए या बोर्ड्स जो चाहिए उसके लिए सिस्टम जो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है तो एक रॉ मटेरियल की एक डिमांड ऑटोमेटिकली ट्रांसफर, उर्दू उसको ट्रांसफर बेसिकली कहते हैं, हम डिमांड कहते हैं जनरेट कर देता है कि ये आपने फ्लान स्टोर से लेके प्रोडक्शन एरिया में आना है तो प्रोडक्शन फिर आप कर सकेंगे उस टेबल को या असेंबल कर सकेंगे। तो वो जो मटेरियल चाहिए उस टेबल को बनाने के लिए उसके लिए जो ट्रांसफर डलता है, तो चूंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में उसके अलावा भी ट्रांसफर डाल रहे होते हैं तो वो जिसकी तरफ भी ट्रांसफर डाल रहे हैं या जिस स्टोर से डाल रहे हैं वो बैच ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है ऑन है, तो वो जो पर्सन है जिसके लिए वो ट्रांसफर जिसको असाइंड है वो इकट्ठे भी ट्रांसफर सारे कर सकता है, मतलब सेलेक्ट करके ये अगर ऑप्शन ऑन किया हुआ है आपने तो। इसके अलावा पिकिंग पॉलिसी का ऑप्शन ये है, इसलिए यूज़ होता है कि आपने बेसिकली जब आप सेल ऑर्डर डालते हैं तो उसकी डिलीवरी के लिए ये ऑप्शन यूज़ होते हैं। इसमें दो ऑप्शन हैं कि अगर आपकी सेल ऑर्डर में 5 आइटम्स हैं
तो अगर आपकी एक आइटम अवेलेबल हो गई है तो आप उसको डिलीवर करना चाहते हैं, तो आपने ये पहले वाला ऑप्शन चूज करना है, शिप प्रोडक्ट्स एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन कुछ केसेस में आप कहते हैं जी नहीं, मैंने एक एक आइटम करके नहीं डिलीवर करना, मेरा पूरा सेल ऑर्डर ही डिलीवर होगा जब पाँचों आइटम अवेलेबल होंगी, तो वो आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं शिप ऑल प्रोडक्ट्स एट वंस। ये ऑप्शन आप सेट कर देंगे तो वो आपको पार्शल डिलीवर नहीं करने देगा, वो आइटम लाइन्स डिलीवर नहीं करने देगा, वो आपको कहेगा सारी आइटम्स अवेलेबल करके फिर ही आप डिलीवर कर सकते हैं इसको। तो अभी हम पहला ऑप्शन ही रखेंगे, हम उसके बाद डिलीवरी डाल के भी देखेंगे। एनुअल इन्वेंट्री डे एंड मंथ जो है, ये आपका इन्वेंट्री काउंट का डे और मंथ है। आप अभी हम जाएंगे भी आप सिस्टम में, तो मैं आपको दिखाऊंगा जो आपने यहाँ पे डे सेट किया हुआ है, फिर इसके ऊपर ओडू आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि आपने इस डे के ऊपर आपने अपनी इन्वेंट्री काउंट करनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री, जो आपका इन्वेंट्री का फॉर्म है उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसके ऊपर इन्वेंट्री काउंट स्केड्यूल इस दिन आ रहा होता है, ठीक है। तो वो जो इन्वेंट्री काउंट है आप किसी को असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जिसको असाइंड है, अगर वो फॉर एग्जांपल वो जो वो डे आ गया है, तो उसको वो नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपने ये जो इन्वेंट्री है इस दिन वो काउंट करनी है, तो आप वो अपडेट कर सकते हैं इन्वेंट्री काउंट। अगर भी हमें, मैं इन्वेंट्री काउंट की आपको स्क्रीन भी दिखा दूंगा इन्वेंट्री में जाऊंगा तो। क्वालिटी का ऑप्शन इसमें ऑन है, हम इसको यूज करेंगे जाके, कि आपने जो इन्वेंट्री के ट्रांसफर्स हैं उसमें आपने क्वालिटी को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना, तो आप कर सकते हैं इन्वेंट्री में अपने क्वालिटी को, तो वो चेक ऑन है हम करके देखेंगे। रिसेप्शन रिपोर्ट का ये, इसको हम ऑन कर लेते हैं, हम देख लेंगे इसको। रिसेप्शन रिपोर्ट का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सेल ऑर्डर डाला, तो उस सेल ऑर्डर के लिए आपको, आप MTO हैं बेसिकली, मैन्युफैक्चर टू ऑर्डर हैं आप, या आप मेक टू ऑर्डर हैं। तो उसके बाद यह है कि आपने सेल ऑर्डर डाला, अब आपने चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है या परचेज करनी है, तो जो आपके पास जो आपने चीज़ें परचेज की हैं तो वो आपने जहाँ पे भी यूज़ करनी है उसके पीछे अगर सोर्स है, तो रिसेप्शन रिपोर्ट ये करती है कि आपको वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप चीज़ें रिसीव करते हैं तो रिसेप्शन रिपोर्ट पे आ जाती हैं कि ये यहाँ यहाँ पे आपने देनी है, तो वहाँ से ही आप दे भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिमांड थी मैनुफैक्चरिंग से आई हुई थी कि आपने, आपको अभी मैंने टेबल की एग्जाम्पल दिया है, तो आपने टेबल का असेंबली का मैनुफैक्चरिंग ऑर्डर डाला, तो आपको चाहिए था उसके लिए लेग्स चाहिए, टेबल टॉप चाहिए या बोल्ट्स चाहिए, तब वो आपके स्टॉक में नहीं है, तो क्योंकि आप तभी मंगवाते हैं जब आपके पास डिमांड आती है। तो अक्सर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में ऐसे ही होता है, तो आपके पास टेबल में की डिमांड आ गई, आपने टेबल का सेल ऑर्डर डाला, सेल ऑर्डर से आपने सेटिंग की हुई है कि ऑटोमेटिकली उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर भी डाल जाएगा कि अब आपने इसे बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर की फिर आपने सेटिंग की हुई है उन प्रोडक्ट्स की, कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर डले ये आइटम्स चाहिए तो इनको फिर हमने परचेज भी करना है, तो आपका परचेज ऑर्डर भी ऑटो डाल जाएगा, जिसको हम कहते हैं उसकी लेग्स का, उसके टेबल टॉप का, वुड का या वो बोर्ड्स का। तो जब उसका परचेज ऑर्डर डलेगा तो उसके पीछे बेसिकली डिमांड थी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर की, जिसकी वजह से वो परचेज ऑर्डर डला। तो जब वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट मटेरियल आएगा, आप उसे रिसीव करेंगे, तो रिसेप्शन रिपोर्ट के ऊपर आप उसको देख सकते हैं कि ये मैंने अब एलोकेट कहाँ पे करना है, कुछ जिस डिमांड से वो जनरेट हुआ था, तो आप वहां पे डायरेक्ट उसे एलोकेट भी कर सकते हैं। बारकोड स्कैनर का ऑप्शन इन्वेंट्री में यूज होता है कि आप जो इन्वेंट्री के ट्रांसफर्स हैं, डिलीवरी है, इन्वेंट्री की रिसीट है, या इन्वेंट्री के इंटरनल ट्रांसफर्स हैं, उनको आप बारकोड के जरिए कर सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं, हम बारकोड यूज तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं दिखा दूंगा ऑप्शन आपको कि उसमें कैसे आप करते हैं, इन्वेंट्री में आप बारकोड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सेट ऑटोमेटिक ईमेल्स व्हेन डिलीवरी ऑर्डर्स आर डन। ये अगर आपने ऑप्शन ऑन किया हुआ है, तो जैसे ही आप डिलीवरी ऑर्डर डालते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो जिस कस्टमर की वो डिलीवरी होती है उसको ऑटोमेटिक ईमेल भी चली जाती है ओडू की तरफ से। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं, ये शिपिंग में ऑप्शन आ रहा है, मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम जाएंगे एंट्रीज की तरफ, तो हम एंट्रीज भी करेंगे, फिर आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा ऑप्शन। सिग्नेचर का ऑप्शन ये है कि आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट, ये वैसे उर्दू में हर जगह तकरीबन अवेलेबल होता है, जो डॉक्यूमेंट आपको बाहर भेजते हैं अपनी कंपनी से उनके लिए, या अपन इंटरनली भी कई दफ़ा आप सिग्नेचर कॉल कर सकते हैं। डिलीवरी ऑर्डर जब आप भेजेंगे तो उसके ऊपर आपको कस्टमर का सिग्नेचर चाहिए,
इससे ये होता है कि मैंने जैसे कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आपके कस्टमर का और वेंडर का एक पोर्टल मिल जाता है ओडू में, तो जिसमें उसको उसकी सारी ट्रांजैक्शंस शो हो रही होती हैं। तो फिर जब आप यहाँ पे सिग्नेचर की रिक्वेस्ट कर देते हैं उसे, तो एक तो उसको अलर्ट भी चला जाता है, ईमेल भी चली जाती है जैसे ही ऊपर हमने चेक ऑन किया कि भाई आप इस पर साइन दे दें। दूसरा ये उसके पोर्टल में भी वो आ जाता है कि आपके पास ये डिलीवरी ऑर्डर है, उसके ऊपर आपने साइन देना है। वो ओपन करता है तो उसके पास सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा होता है। सिग्नेचर का ये होता है कि वो साइन के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो एक वो विंडो ओपन होती है जिसमें उसने साइन करने होते हैं टच पैड से। तो वो पेन से भी कर सकता है टच पैड में, या अपने फिंगर से भी कर सकता है। तो जैसे वो साइन करना चाहे तो वो साइन करता है तो वो सेव हो जाता है। फिर उसके पास शिपिंग कनेक्टर्स हैं, तो ये मैं पहले वैसे इसका बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ कि ये हैं आपके बेसिकली, जो अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम शिपिंग कॉस्ट जो है वो डालना चाहते हैं। तो ये शिपिंग कनेक्टर्स इसीलिए हैं कि आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ। तो ये जो आ रहे हैं 7 शिपिंग कनेक्टर्स, ये डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है इनकी ओडू के साथ। आपने सिर्फ यहाँ से उसका चेक ऑन करना है तो वो आपका शिपिंग कनेक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद ये है कि आपने अपने जो है क्या नाम लेते हैं, जब आप अपना डिलीवरी ऑर्डर डाल रहे हैं तो उसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना होता है कि मेरा कौन सा शिपिंग है, मेथड कौन सा है, या मेरा शिपिंग पार्टनर कौन सा है। तो जो आपने कॉन्फ़िगर किए हैं वो सारे वहाँ पे शो हो जाते हैं। तो जो आप सिलेक्ट करते हैं इनके साथ ऑटो इंटीग्रेशन होती है। ये आपकी आइटम की, जो भी आपकी डिलीवरी में आइटम्स हैं उनके वॉल्यूम और वेट से कैलकुलेशन करके आपको कॉस्ट एस्टिमेट दे देते हैं, और वो आपके वही कॉस्ट आपके डिलीवरी में ऐड हो जाती है या सेल ऑर्डर में ऐड हो जाती है। सेल ऑर्डर पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जो सेल ऑर्डर में कॉस्ट आपकी ऐड हो जाएगी वो आप बाद में चार्ज उसको कर देते हैं कस्टमर को इनवाइस पे। और ये जो जब आप डिलीवरी डालते हैं तो ये जो आपने शिपिंग पार्टनर या ये जो शिपिंग मेथड एक्टिव किया हो, इसके पास ऑटोमेटिकली टिकट भी चली जाती है, या इसके पास वो रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है कि ये आपने डिलीवरी करनी है। तो ये एक टू वे मेथड है, आपके पास कॉस्ट आ जाती है और उसको एक टिकट चली जाती है कि ये आपने डिलीवरी करनी है, और आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, ट्रैकिंग रेफरेंस। अच्छा, ये वेरिएंट्स का ऑप्शन है। ये अगर आपकी प्रोडक्ट के वेरिएंट्स हैं तो आपने ये ऑन करना होता है। इसमें वो देखिए बता रहा है सेट प्रोडक्ट वेरिएंट्स इजी कलर साइज। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस हैं कलर में, साइज में, या कोई और स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी, कोई और डायमेंशंस हैं, तो आप वेरिएंट का ऑप्शन ऑन करके उसकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उनको वेरिएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के अंडर। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट का चाइल्ड होता है। तो ये प्रोडक्ट पैकेजिंग वही सेम ऑप्शन है एक मिनट जो पहले शकील, मैंने। वेरिएंट्स के बारे में ना आपको ई कॉमर्स स्टोर पे भी आप देखेंगे, नॉर्मली जब आप प्रोडक्ट्स बाई करते हैं ना ई कॉम पे, तो आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो आपसे कलर या साइज पूछता है, उसमें वो वेरिएंट्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यानी आइटम सेम है उसमें अब कलर ब्लैक है, ब्लू है, व्हाइट है, ग्रीन है, तो ये वेरिएंट्स, तो ये उन वेरिएंट्स का जिक्र है यहाँ पे। या गारमेंट्स में आप देखते हैं अगर आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो कहता है कि इसमें आपने साइज कौन सा लेना है, ठीक है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो ये भी वेरिएंट्स में ओपन होता है। ये शकील, ओवर टू यू। अच्छा, एक और उसमें ऑप्शन है वो मैंने बताया यूनिट ऑफ मेजर का, कि वैसे यूनिट ऑफ मेजर आ रहा होता है प्रोडक्ट पे, लेकिन आप मल्टी यूनिट ऑफ मेजर भी अगर मैनेज करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। वो हम दिखा देंगे। वो ये आता है कि अगर आपका परचेज यूनिट ऑफ मेजर कोई और है और आपका इन्वेंट्री और सेलिंग यूनिट ऑफ मेजर कोई और है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो उसमें ओडू में डिफ़ॉल्ट कुछ कन्वर्जन सेव्ड होती हैं और आप अपनी कन्वर्जन भी सेव कर सकते हैं। तो जो आपने कन्वर्जन की हुई है फिर उसके मुताबिक ओडू उसको कन्वर्ट करता है आपको स्टॉक दिखाने के लिए और सेल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लॉट एंड सीरियल नंबर का ऑप्शन है। जैसे सर एग्जांपल दे रहे थे, अगर आप किसी कुछ आइटम्स के लिए लॉट और सीरियल नंबर मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। और फिर ओडू क्या कहता है, जिसके लिए आपने ये ऑप्शन ऑन किया है, लॉट और सीरियल में से एक आप एक्टिव करना पड़ता है। फिर अगर आपने ये किया हुआ है तो वो जो भी ऑप्शन आपका ऑन है, फिर वो जो भी आप रिसीट करेंगे, जो भी इन्वेंट्री का ट्रांसफ़र डालेंगे, या अगर आप आइटम कंज्यूम करेंगे या इवन सेल करेंगे, तो फिर आपको उसकी लॉट भी साथ देनी पड़ती है। और सीरियल नंबर ये होता है कि ये सीरियल नंबर लॉट से भी थोड़ा डिटेल्ड है। इसमें ये होता है कि आपको हर आइटम का सीरियल फिर आपने देना होता है। अगर आप 10 आइटम्स रिसीव कर रहे हैं तो आपको 10 सीरियल देने पड़ते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में।
और फॉर एग्जांपल एसी की इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, एयर कंडीशनर्स, वहाँ पे हर एसी का अलग सीरियल नंबर होता है, एलसीडीज का, हर एलसीडी का, इस तरह गाड़ियों की इंडस्ट्री में हर गाड़ी का अलग सीरियल नंबर होता है। तो जहाँ पे जो आपके जो प्रोडक्ट है उसका हर एक ईच यूनिट का अलग सीरियल नंबर होता है, और आप उसको ट्रैक एंड ट्रेस भी करना चाहते हैं तो फिर आपको वो सीरियल नंबर ऑन करना पड़ता है। तो फिर वो आपकी इन्वेंट्री जहाँ भी जाएगी वो साथ सीरियल नंबर भी उसका ट्रैवल करता है कि ये इसका सीरियल नंबर ये है, इसका सीरियल नंबर ये है, जस्ट लाइक लॉट। लेकिन लॉट ये है कि वो पूरी आपकी पूरी सम ऑफ क्वांटिटी की होती है, सीरियल नंबर आपको ईच यूनिट का फिर देना पड़ता है। लैंडेड कॉस्ट कल मैंने आप लोगों को आई थिंक सो दिखा दिया था पिछले सेशन में। लैंडेड कॉस्ट का ऑप्शन आपको ऑन करना है तो करके आप उसमें अपनी जो लैंडेड कॉस्ट है वो ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में एट द टाइम ऑफ रिसीट। और जब आप प्रोडक्ट्स रिसीव कर रहे हैं तो उसके बाद आप लैंडेड कॉस्ट देंगे और आपकी इनवाइस में वो लैंडेड कॉस्ट जो है वो चार्ज हो जाएगी, और उसके बाद अपनी वो उसमें जो रेलेवेंट शिपमेंट है जिसमें आपने रिसीव किया, जो इसका ट्रांसफर नंबर था जिसमें आपने रिसीव की वो आइटम, उसको वो चार्ज कर सकते हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, लैंडेड कॉस्ट का जो रिलेशनशिप है वो इम्पोर्ट्स के साथ है। जब इम्पोर्ट करते हैं ना, तो इम्पोर्ट में जो टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है, ठीक है, उसमें क्योंकि डिफरेंट चार्जेस होते हैं, एक्साइज ड्यूटीज वगैरह होती हैं, वो सब के सब इंक्लूड करके लैंडेड कॉस्ट बनती है। और प्रोडक्ट के साथ वो लैंडेड कॉस्ट ही एक्चुअली जा रही होती है इन्वेंट्री में। जिसकी सर, ये लैंडेड कॉस्ट में हम लोकल में भी जिस टाइम पे अगर कोई आइटम आ गई है और हम स्टॉक का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं फ्रेट को या अदर एक्सपेंसेस को, तो वो भी तो हम डाल सकते हैं ना सर जी लैंडेड जी कॉस्ट कर में। सकते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। वजह से सर ने सर जस्ट एक एग्जांपल दिया, आप लोकल के लिए भी कर सकते हैं। लैंडेड कॉस्ट का मतलब यही है कि आप ऐसी कोई भी लैंडेड कॉस्ट जो उस आइटम की प्राइस के अलावा है वो आपके कोई भी कॉस्ट इनकर हो रही है तो आप लैंडेड कॉस्ट के थ्रू उसको इन्वेंट्री का पार्ट बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपकी जैसे ही आप अपना इंस्टेंस बनाते हैं तो आपका एक वेयर हाउस तो ओपन हो जाता है। अगर आपका जो स्टॉक है वो मल्टीपल लोकेशंस में है तो आप मल्टी स्टोरेज लोकेशंस को ऑन कर सकते हैं, और उसमें फिर ये है कि आपका लोकेशंस का ऑप्शन भी आ जाता है, आप मल्टी लोकेशंस ओपन कर सकते हैं और मुख्तलिफ लोकेशंस में फिर आप अपना स्टॉक भी रख सकते हैं। और जो नीचे पुट अवे रूल्स आपके पास आ रहा होगा इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है उर्दू में कि आप अगर आपने ये डिफाइन किए हुए हैं पुट अवे रूल्स, तो इसका ये होता है कि अगर वो कुछ आइटम्स के ऊपर आप रूल्स लगा सकते हैं कि एक लोकेशन में अगर आप रिसीव करें तो जैसे ही वो रिसीव हो तो दूसरी लोकेशन पे मूव हो जाए। तो कुछ ऐसी आइटम्स जो आप स्पेसिफिक लोकेशंस पे रखना चाहते हैं उनको, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपका एक लोकेशन है वेयर हाउस इनपुट की, तो आपने वहां पे जो भी रिसीव किया मटेरियल वो ये किस्म ये कैटेगरीज जो हैं या ये आइटम्स जो हैं वो शेल्फ ए पे स्टोर हो जाएं, ये आइटम शेल्फ बी पे स्टोर हो जाएं, ये आइटम शेल्फ सी पे स्टोर हो जाएं। तो ये आप पुट अवे रूल्स लगा सकते हैं, जैसे ही आप रिसीट डाला करेंगे वेयर हाउस में इनपुट एक लोकेशन है उसमें, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जिसके साथ शेल्फ ए का पुट अवे रूल है शेल्फ ए में मूव कर दिया करेगा उसे, जिसके साथ शेल्फ बी का शेल्फ सी का उनको उसी तरह मूव कर दिया करेगा उन लोकेशंस पे। लेकिन फिजिकली आपने मूव करना है, फिजिकली सिस्टम नहीं करेगा, सिस्टम में वो मूव कर देगा। अच्छा, इस उसके नीचे आपको ऑप्शन मोशन नजर क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मेरा क्वेश्चन था स्किल साहब से, पुट अवे रूल्स में टेम्परेचर वाली कंडीशन अप्लाई होती है, जस्ट लाइक कह लें कि कोई मीट या ग्रोसरी आइटम आई हम लोकेशन पे भेज रहे हैं तो वहां पे ऐड कर सके कि इतना टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली रखने वहां पर।
नहीं, टेम्परेचर तो आपने करना है ना, मैनुअल कंट्रोल करना है ना। आप ये लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई आइटम है वो आपने फ्रिज में ही स्टोर करनी है, तो आपका वो फ्रिज का जो है वो लोकेशन खोलें, और हाँ सब लोकेशन खोलें और आप लगा दें उसके ऊपर, पुट अवे रूल लगाएं कि जैसे ही वो आपके स्टोर में आएगी सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली फ्रिज में मूव कर देगा। लेकिन आपका बंदा उसे फ्रिज में मूव ना करे, या आपकी फ्रिज जो है वो बंद हो, या उसका टेम्परेचर सही ना हो, ये ऑटो नहीं बताएगा। ठीक सिस्टम उसे फ्रिज में मूव कर देगा ऑटोमेटिकली लोकेशन में। और उसमें ये भी है कि वो ऑटोमेटिकली मूव कर देगा तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको पता नहीं लगा कि मैंने तो उसे स्टोर में रखा है तो वो कहाँ पे गया है। सिस्टम उसकी एंट्री जनरेट करता है, तो उसके बाद आपके ट्रांसफर में, अभी हम करेंगे तो आपके ट्रांसफर में आ जाता है कि भाई ये जो आइटम है आपने फ्रिज में मूव करनी है, तो वो ट्रांसफर ड्राफ्ट पे चला जाता है, आपने उसे वैलिडेट करना होता है, तो आप उसे फ्रिज में रख के उसे वैलिडेट कर दें। थैंक यू। उसके बाद स्टोरेज कैटेगरीज हैं। स्टोरेज कैटेगरीज बेसिकली यूज़ होती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका कॉन्सेप्ट। ये यूज़ होती हैं कि आपकी आपकी जो स्टोरेज लोकेशंस हैं उनके ऊपर अगर आपके कैपेसिटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होती हैं। फिर आप क्या करते हैं कि स्टोरेज कैटेगरीज खोलते हैं कुछ, और आप बताते हैं कि मेरी फलां ये स्टोरेज लोकेशन जो मैंने एग्जांपल दी थी फ्रिज की, मैंने अगर एग्जांपल दिया है तो आप बता देते हैं कि फ्रिज में दो कैटेगरीज की जो दो स्टोरेज कैटेगरीज की आइटम्स आ सकती हैं और इतनी इतनी आ सकती हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप उसमें फ्रिज में मूव होती भी है आपकी आइटम, तो सिस्टम यह है कि अगर उसकी स्टोरेज कैटेगरी फिल हो गई है तो आप बताते हैं जी अगर फ्रिज ए है तो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो स्टोरेज कैटेगरी ए और स्टोरेज कैटेगरी बी की एक एक आइटम स्टोर कर सकता है। तो अगर वो दोनों आइटम उसमें पहले चली गई हैं तो फिर अगला पुट अवे रूल वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बताता है, अगर आपने डिफाइन किया हुआ है कि भाई आप फ्रिज ए में नहीं रख सकते और अब आप फ्रिज बी के लिए वो रूल लगा देता है कि फ्रिज बी में ये ट्रांसफर होगा। तो ये बेसिकली कैपेसिटीज को मैनेज करने के लिए होता है कि अगर आपकी एक जगह पे कैपेसिटी मैनेज हो गई है एक लोकेशन पे, सब लोकेशन में जहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरी लोकेशन को पिक कर लेता है जो उसके बाद आपने ऑर्डर में दी हुई है, या अगर ऑर्डर में नहीं दी हुई तो फिर आपको सिस्टम रोक देगा कि इसकी कैपेसिटी फुल है इस स्टोरेज की जहाँ पे हम मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल है, मैं कोशिश करूंगा इसको आपको ना बताऊं, आप लोग खुद ही से सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, वरना जो पिछले बताए हैं वो भी आपके उड़ जाएंगे। एक दूसरा ये कॉम्प्लेक्स रूल है थोड़ा उर्दू में, मल्टी स्टेप राउट्स। मल्टी स्टेप राउट्स क्या होता है उर्दू में, कि आपकी इन्वेंट्री के बेसिकली नॉर्मली ऑर्डू लेता है जो भी आप करते हैं, टू स्टेप राउट लेता है रिसीविंग में। टू स्टेप राउट का मतलब क्या है कि आप करेंगे रिसीव करेंगे और उसके बाद आप, बल्कि वन स्टेप लेता है रिसीविंग में और वन स्टेप ही लेता है डिलीवरी में और वन स्टेप लेता है मैन्युफैक्चरिंग में। नॉर्मली रिसीव करेंगे और डिलीवरी में आप डिलीवर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग में आप एक दफ़ा कंपोनेंट इशू करेंगे स्टोर को और एक दफ़ा बना के स्टोर को दे देंगे, तो हर जगह वन स्टेप लेता है नॉर्मली ओडू। लेकिन अगर आप मल्टी स्टेप राउट कन्फिगर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरी इन्वेंट्री जब भी मेरी कंपनी में आए तो सबसे पहले वो रिसीविंग बे के ऊपर आए, रिसीविंग बे से फिर वो क्वालिटी के क्वारंटाइन में जाए, क्वालिटी के क्वारंटाइन से अगर वो क्वालिटी चेक हो जाए तो फिर वो मेन स्टोर में आए, तो ये अब थ्री स्टेप राउट हो गया। तो ये स्टेप्स आप डिफाइन कर सकते हैं राउट्स के, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन ऑन कर लेते हैं फिर आपको ये सेटिंग में ऑप्शन दे देता है कि आप अपने राउट्स डिफाइन कर लें। तो मैं जाके आपको थोड़ा सा इसकी एग्जाम्पल भी दे दूंगा, अभी मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप डिलीवरी के वक्त भी ये कर सकते हैं कि मैं जब डिलीवरी करने लगाऊँ तो मेरा जो स्टॉक है सबसे पहले वो स्टोर से, मेन स्टोर से स्टॉक निकले तो पैकिंग एरिया में जाए, पैकिंग जोन में जाए, पैकिंग जोन से फिर वो पैक हो तो फिर वो डिलीवरी एरिया में जाए, तो ये थ्री स्टेप हो गए। तो डिलीवरी एरिया से फिर वो डिलीवर हो, तो ये थ्री स्टेप हो गए। तो नॉर्मली ओडू क्या करता है कि आपको वो डिलीवरी दे देता है, अगर आप उसे कन्फिगर करना चाहते हैं थ्री स्टेप स्टेप तो ये ऑन करें और जाए इन्वेंट्री में, थ्री स्टेप राउट डिफाइन करें, फिर आप जैसे ही आपका सेल ऑर्डर डलेगा तो सिस्टम जो है आपके तीन ट्रांसफर बनाएगा। सबसे पहला ट्रांसफर वो बनाएगा कि मेरा उस मेन स्टॉक से ट्रांसफर करें पैकिंग जोन में, ठीक है। उसके बाद अगला ट्रांसफर बनाएगा कि पैकिंग जोन से ट्रांसफर करें डिलीवरी जोन में, दूसरा ट्रांसफर हो गया। फिर वो तीसरा ट्रांसफर बनाएगा कि डिलीवरी जोन से आप डिलीवर कर दें कस्टमर को, तीन ट्रांसफर्स खुद बना देगा। पहला जो ट्रांसफर होगा उसके ऊपर लिखा आ रहा होगा रेडी, कि आप इसे कर सकते हैं वेयर हाउस से पैकिंग जोन में, और पैकिंग जोन से डिलीवरी जोन वाले ट्रांसफर के ऊपर लिखा आ रहा होगा वेटिंग फॉर अनदर ऑपरेशन,
कि पहले वाला ऑपरेशन करें तो फिर ये रेडी होगा, और तीसरे के ऊपर भी वेटिंग फॉर अनदर ऑपरेशन आ रहा होगा। तो जैसे जैसे आप ट्रांसफर्स करते जाएंगे तरतीब वाइज वो अगले रेडी होते जाएंगे ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अभी हम जाएंगे तो आपको समझ भी लगेगी, उसमें मैं करके दिखा दूंगा। तभी हम मेरे ख्याल में ऑन कर लिया, हम सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, नीचे एडवांस स्केजलिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी लीड टाइम फॉर सेल्स है और सिक्योरिटी लीड टाइम फॉर परचेज है। ठीक है, ये इसलिए यूज होते हैं कि अगर आपने यहाँ से इनको ऑप्शन ऑन कर दिया तो नीचे वो डेज का ऑप्शन भी आपको देगा, करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप फर्ज करें वन कह देते हैं, तो सिक्योरिटी लीड टाइम का मतलब ये है कि अगर आपने सेल्स के अपने लीड टाइम्स डिफाइन किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैं डिलीवरी करता हूँ, मेरा लीड टाइम है 2 डेज, तो जब आप डिलीवरी ऑर्डर डालेंगे, सेल ऑर्डर डालेंगे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें अगर आपने यहाँ पे सिक्योरिटी लीड टाइम 1 लिखा हुआ है तो 1 प्लस कर दिया करेगा। तो बेसिकली ये स्पेयर डेज आपके लीड टाइम्स में ऐड करता है सिस्टम। अगर आपने परचेज के आपका ना लीड टाइम 5 दिन है, तो यहाँ पे अगर आपने 1 डाला हुआ है तो सिस्टम वहाँ पे जब आप परचेज ऑर्डर डाला करेंगे तो उसकी जो लीड टाइम है वो 6 कर दिया करेगा, तो 1 1 उसमें प्लस कर दिया करेगा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये यूजर्स को जरा होता है कि इसमें लीड टाइम पड़ा हुआ है, एक एक दिन सिक्योरिटी टाइम है। और डेज टू परचेज है बेसिकली कि कितने दिन उनको चाहिए परचेज वालों को पीओ को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपके जो भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओडू में रेज करते हैं तो उसके ऊपर स्केजुअल डेट आती है, किस डॉक्यूमेंट की स्केजुअल डेट क्या है। ये ज्यादातर यूज होते हैं उन केसेस में जब आपकी सारी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो। ठीक है, और ऑटोमेटेड मींस कि आपका जो प्रोसेस है, आपके पास जैसे ही सेल ऑर्डर आए तो आपने डिफाइन करना है या आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग का, फिर उस सेल ऑर्डर को सर्व करने के लिए। और जैसे ही आपने मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करना है तो फिर उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जो आपको मटेरियल्स चाहिए, जो आपने परचेज करने हैं, फिर आपका परचेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को सर्व करने के लिए। तो ये सारे लूप को चलाने के लिए बीच में लीड टाइम्स का फिर काम आता है कि लीड टाइम्स देखते हैं कि हर एक ने कब कब काम करना है। तो हर एक के डॉक्यूमेंट के ऊपर जब मैं सेल ऑर्डर डालूंगा तो मेरी डिलीवरी के ऊपर डिलीवरी का जो ट्रांसफर का ऑपरेशन है वो क्रिएट हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर स्केजुअल डेट आ जाती है कि आपने ये डिलीवरी कब करनी है लीड टाइम के हिसाब से। इसी तरह मैं सेल ऑर्डर डालूंगा तो जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का लीड टाइम मैंने दिया हुआ है, जो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर डलेगा उसके ऊपर आ जाएगा कि आपका स्केजुअल डेट क्या है इस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर की, आपने इसको कब बनाना है लीड टाइम के हिसाब से। उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर को जब मैं कंफर्म करूंगा तो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, उसके लिए जो परचेज ऑर्डर डलेगा, उस परचेज ऑर्डर के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपने कब ये चीज़ें अवेलेबल करनी है, इसकी स्केजुअल डेट क्या है। वो भी कहाँ से आएगी, परचेज लीड टाइम से, कि आपका इतना लीड टाइम है तो आपने इतनी देर तक ये चीज़ें डिलीवर करनी है। तो लीड टाइम्स इसके लिए बेसिकली यूज होते हैं। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं इसको अभी ऑन नहीं कर रहा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी और आगे ये मसला ना करे। ये करता ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। कुछ केसेस के में या कुछ प्रोडक्ट्स के केस में आप कंपनीज ऐसा करती हैं कि उनको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती, या तो प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगी होती हैं और एक ये रीज़न होती है कि हम बजाय उसके कि उसको परचेज करके अपने स्टॉक में रखें और अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें करें, तो वो डायरेक्ट जब भी उसका ऑर्डर आता है उसको डायरेक्ट डिलीवर करवाया जाता है अपने वेंडर से अपने कस्टमर की तरफ। ठीक है, दूसरा ये ऑप्शन होता है कि वो एक तो उसकी सेल बहुत कम होती है, स्लो मूविंग आइटम्स होती हैं, और आप उनका स्टॉक बिल्ड करने के बजाय, अपने पास रखने के बजाय, जब भी उसका ऑर्डर आता है आप उसको वेंडर से डायरेक्ट परचेज करवा के कस्टमर की तरफ रूट करवा देते हैं। ठीक है, और दो रीजंस होंगी। तीसरी ये रीज़न होती है कि वो आइटम की नेचर ऐसी होती है कि आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ या स्पेशलिटीज़ नहीं होती, लेकिन ये है कि आपकी आप कस्टमर को उसके लिए नहीं करना चाहते कि इनकार, जब भी आपके पास ऑर्डर आता है आप उसका वेंडर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके या वेंडर को कह के डायरेक्ट डिलीवर करवा देते हैं, आप अपने पास वो आइटम नहीं लेके आते पहले और फिर नहीं डिलीवर करते। ड्रॉप शिपिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपने पास स्टॉक नहीं रखते, रीजंस मैंने 3 बता दिए हैं, आप अपने पास स्टॉक रखने की बजाय जब भी आपके पास ऑर्डर आता है, किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है, अब आपने उसको डिलीवर करना है, तो आपने अपने पास से डिलीवर नहीं करना, आपने वेंडर से डिलीवर करवाना है। तो इसमें होता यह है कि आप जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है आप अपने सिस्टम में सेल ऑर्डर बुक करते हैं, सिस्टम को ये पता होता है कि आपने इस आइटम के साथ ड्रॉप शिपिंग ऑन किया हुआ है, सिस्टम उस आइटम के अगेंस्ट परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली बुक कर देता है
कि ये आपने परचेज करनी है और किस वेंडर के अगेंस्ट, जो वेंडर आपने उसकी प्रोडक्ट के ऊपर मैप किया होगा उसके साथ, और उसके साथ प्राइस दी होगी उसके साथ, कि आपने इसको परचेज करना है और सिस्टम उसका ऑटोमेटिकली एक परचेज ऑर्डर जनरेट कर देता है कि भाई इसको परचेज करें क्योंकि ये आपके पास स्टॉक में नहीं होती। और आप जैसे ही उसकी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट रिसीट डालते हैं, इन्वेंटरी रिसीट की आप रिसीव करते हैं, और एक्चुअली तो वो आपके पास रिसीव नहीं होता, आपने सिर्फ इसलिए रिसीव डालनी होती है इस कंफर्मेशन के लिए कि हाँ ये डिलीवर हो गया कस्टमर को। जैसे ही आप उसकी रिसीट डालते हैं सिस्टम में, ये एक लॉजिकल रिसीट होती है, फिजिकल रिसीट नहीं होती, आपके पास जो सेल ऑर्डर आपने डाला होता है उसके ऊपर डिलीवरी का ऑप्शन आ जाता है कि अब आप इसकी डिलीवरी भी कर दें, कि आपने कस्टमर को डिलीवर कर दी है। और ये सारी डिलीवरी और रिसीट लॉजिकल होती है, सिस्टम में नहीं होती, और सॉरी फिजिकली नहीं होती। तो इस ये ड्रॉप शिपिंग का इसलिए होता है कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग किया हुआ है तो फिर आपको वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सेल ऑर्डर डालते हैं परचेज ऑर्डर भी डाल देता है कि भाई ये आइटम आपने परचेज करके कस्टमर को डिलीवर करनी है, तो वो डायरेक्ट जैसे ही कस्टमर उसको डिलीवर कर दे आपने उसकी रिसीट डाल के डिलीवरी बुक कर लेनी है अपने पास। क्लियर है? किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। सेटिंग्स हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इन्वेंट्री में जाएंगे। इन्वेंट्री के लिए बहुत कोर ऐप है जी, परचेजेस चेक कर लूँ। हाँ है हमारे पास, क्योंकि सारी इन्वेंट्री आपके पास मोस्टली परचेजेस से ही आती है या कुछ मैन्युफैक्चर करके आपके पास आती है, तो मैन्युफैक्चर इसमें है नहीं, हम उसको इग्नोर करके हम परचेज ही करेंगे फिलहाल इन्वेंट्रीज अपनी बिल्ड करने के लिए। जी अलीशान, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ऐसा था कि ये जो इन्वेंट्री का ये मॉड्यूल है, ये हम अपनी वेबसाइट से और शॉपिफाई वगैरह से भी लिंक कर सकते हैं ताकि उसमें बता देंगे आपको। अगर तो आप ओडू की वेबसाइट करते हैं तो वो डायरेक्टली इसी इन्वेंट्री पे चलती है, उसके लिए आपको सेपरेट इन्वेंट्री नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अगर हम शॉपिफाई यूज करें सर, तो शॉपिफाई करते हैं तो फिर आपको शॉपिफाई इसके साथ कन्फिगर करना पड़ेगा, उसकी थर्ड पार्टी कन्फिगरेशन होती है। हो जाती है सर? हाँ जी हो जाती है। ठीक है, मैं एक परचेज ऑर्डर जनरेट करूँगा आइटम रिसीव करने के लिए अपनी इन्वेंट्री में। तो अच्छा, सबसे पहले हम देख लें कि हमारा कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चूँकि मैंने ऑन की हैं, तो इन्वेंट्री में जाके उसके कुछ ऑप्शंस आए होंगे, तो मैं आप हम कुछ जो ऑन किया है उसको कुछ देख भी लें। अब हमारी वेयर हाउस लोकेशन है। अच्छा शकील, अपना ओडो का परचेज का फ्लो भी बता देना यहाँ पे कि वो किस किस स्टेप से गुजरेगा। जी जी मैं बता देता हूँ, परचेज की एंट्री डालेंगे तो फिर इसमें आना। अच्छा अभी हमारा ये वेयर हाउस ओपन है, एक बल्कि तीन ओपन है, क्योंकि दो हमने उसकी ब्रांचेज ओपन की थी, उनका भी एक वेयर हाउस ओपन है। हम इस वेयर हाउस का नाम कर देते हैं वेयर हाउस मेन। अच्छा अब देखें, वेयर हाउस को मैंने ओपन किया है तो इसमें शिपमेंट्स में आए, तो इनकमिंग शिपमेंट्स में देखें आ रहा है रिसीव गुड्स डायरेक्टली इन वन स्टेप, रिसीव गुड्स इन इनपुट एंड देन स्टॉक, रिसीव गुड्स इन इनपुट देन क्वालिटी एंड देन स्टॉक, थ्री स्टेप्स, वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप। इसी तरह आउटगोइंग शिपमेंट्स पे भी आ रहा है वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप कि कितने स्टेप में आपने डिलीवर करनी है आइटम। इसी तरह मैनुफैक्चरिंग में भी आ रहा है कि जो मैनुफैक्चरिंग आपने करनी है वो कितने स्टेप में करनी है। ठीक है, ये ऑप्शन तब आया जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन में आपके सामने मल्टी स्टेप को ऑन किया है। तो अगर आपने मल्टी स्टेप ऑफ किया हुआ है तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आते, तो फिर ओडू बाय डिफॉल्ट उनको वन स्टेप ही लेता है हर एक को। तो अगर आप मल्टी स्टेप करना चाहते हैं तो आप वहाँ से ऑन करें, आपके वेयर हाउस पे ये मल्टी स्टेप ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा ये वो ऑप्शन हैं जो ओडू ने कन्फिगर किए हैं, मैं पहले ही आप सिर्फ इनको ऑन करें, ऐसे ऐसे थ्री स्टेप ऑन करें तो आपके थ्री स्टेप हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने स्टेप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप थ्री नहीं, आप कहते हैं जी मेरा 50 स्टेप है, मेरा 5 स्टेप है, मेरा 20 स्टेप है, तो आप अपने स्टेप कन्फिगर कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं के साथ स्ट्रिक्ट रह सकते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट ओडू ने बना के दे दिए हैं आपको कि आप इनमें से कोई स्टेप करना चाहते हैं, कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई अपना राउट है, आप अपना राउट बनाना चाहते हैं, ओडू का नहीं यूज़ करना चाहते, आपका 4 स्टेप है, 5 स्टेप है, 6 स्टेप है, 7 स्टेप है, तो आप वो अपना बना के अपना कन्फिगर करके स्टोर के ऊपर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो अभी हम इनकमिंग शिपमेंट्स को टू स्टेप करते हैं और आउटगोइंग शिपमेंट्स को मैंने थ्री स्टेप कर लिया है, ठीक हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चर को हम यूज नहीं कर रहे, अभी वन स्टेप ही रहने देते हैं। अच्छा, अगर ये देखें ऊपर राउट्स आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये जो राउट्स हैं उनके ऊपर सिस्टम मुझे ले जाएगा जो जो मैंने ऑन किए हैं, ठीक है। ये राउट्स क्या हैं, थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी होगी लेकिन मैं बता देता हूं। अगर मैं किसी के ओपन करूं तो रिसीव के लिए मैंने टू स्टेप ऑन किया हुआ है कि पहले इनपुट में आए और फिर स्टॉक में आए, ठीक है। तो इसके नीचे देखें तो नीचे रूल लगा हुआ है कि सबसे पहले पुल एंड पुश का मतलब यह है कि जब आप कोई परचेज ऑर्डर डालेंगे या परचेज के लिए कोई सिस्टम में इंस्ट्रक्शन आएगी सिस्टम को, तो सिस्टम यह है कि वेयर हाउस जो मेन वेयर हाउस है उसमें स्टॉक जो है वो पुल करेगा। कहाँ से पुल करेगा? वेंडर और पर्सनल की, वेंडर और पार्टनर की लोकेशन से, ठीक है। जो वेंडर और पार्टनर है और जो कस्टमर और पार्टनर है उनकी ओडू बाय डिफॉल्ट सिस्टम में लॉजिकल लोकेशंस ओपन कर लेता है, ठीक है। तो जब भी आप परचेज ऑर्डर डालते हैं तो ओडू यही समझता है कि आप वेंडर और पार्टनर की लोकेशन से स्टॉक लेंगे, ठीक है। वो फिजिकल लोकेशंस नहीं होती सिस्टम में, लेकिन लॉजिकल लोकेशंस ओडू अपने पास ओपन कर लेता है। तो वेंडर और पार्टनर की लोकेशन से ओडू पुल करेगा स्टॉक, तो जैसे ही आपके पास आएगा वेयर हाउस इनपुट में, पहली लोकेशन आपकी वेयर हाउस इनपुट है, इसको आप रिसीविंग बे भी कह सकते हैं, ठीक है। ओडू में इसको नाम उन्होंने वेयर हाउस इनपुट दिया हुआ है। तो जैसे ही आपका वेयर हाउस इनपुट पर स्टॉक आएगा, आगे देखें पुश लिखा हुआ है, सिस्टम उसको पुश करेगा किधर? वेयर हाउस स्टॉक में, क्योंकि मैंने इसको टू स्टेप किया हुआ है कि वेयर हाउस इनपुट में पुल करो वेंडर की लोकेशन से और वेयर हाउस इनपुट से पुश कर दो उसको वेयर हाउस स्टॉक में, तो आपका स्टॉक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपके दो ट्रांसफर बेसिकली सिस्टम डालेगा। तो अभी मैं जाता हूँ और हम रिसीव करते हैं, जैसे इसके को हम इसको कम्प्लेक्स करें। और इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि आप अपने राउट्स भी बना सकते हैं, इसी तरह आपने अपने राउट्स बनाने हैं तो आप इसको कॉपी करें या इसको डुप्लीकेट करें, यहाँ पे नीचे एक्शंस अपने दें, सारे अपने डिफाइन करें, जितने मर्जी स्टेप डाल दें, और फिर आप यहाँ पे इसको उसको इस राउट को आप असाइन कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक वेयर हाउस को। ये अभी मेरे वेयर हाउस को असाइंड है क्योंकि मैं वेयर हाउस के फार्म से डायरेक्ट इधर आया हूँ। अच्छा, आप कहते हैं मैंने वेयर हाउस को नहीं असाइन करना, मैं किसी स्पेशल प्रोडक्ट को करना है, आप यहाँ पे दूसरे चेक ऑफ करके सिर्फ प्रोडक्ट वाला ऑन करें, प्रोडक्ट के ऊपर आपको ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट के फार्म के ऊपर जाके कि इसका राउट क्या है, उसको राउट आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप सेल ऑर्डर पे भी असाइन कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर ना करें, आप कहते हैं जी जब सेल ऑर्डर मेरा डलेगा तो मैंने डिसाइड करना है कि इसके इसको राउट कौन सा लगेगा प्रोडक्ट को, तो आप सेल ऑर्डर पे भी ये चॉइस यूजर को दे सकते हैं कि वो सेल ऑर्डर डालते वक्त इसको सेलेक्ट कर ले कि इसको कौन सा राउट लगेगा। तो ये चीज़ें आप खुद भी सेट कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट ओडू आपको दे देता है कि आप लोगों को कोई मसला ना हो, नए बनाने में मसला ना हो, तो आप इसको बना सकते हैं। इवन बड़ी कंपनीज बना के इसे यूज़ कर रही हैं अपने स्टेप्स। अच्छा, अब एक अगर मैं आप लोगों को पुट अवे रूल एक डिफाइन कर दूं तो साथ ही वो भी हमारा जहां हम रिसीव करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में आए तो देखें मैंने पुट अवे रूल्स भी वहां से ऑन कर लिया था, तो यहां पे ऑप्शन आ गया मेरा पुट अवे रूल्स का। उसके लिए पहले मैं एक लोकेशन डिफाइन कर लेता हूँ कि हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि जैसे ही मेरा न्यू लोकेशन डिफाइन करूँगा, मैं कहता हूँ जी ये दस्तगीर क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मैंने ये पूछना था आपसे कि ना कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वेंट्री जब परचेज करते हैं तो हम अपने वेयर हाउस की कैपेसिटी को समटाइम्स हम भूल जाते हैं, तो क्या ऐसा कोई ऑटोमेटेड ऑप्शन है कि हम एक दफ़ा कैपेसिटी इन कर दें और उस हिसाब से अगर हम मंगवाएं तो फिर हमें उसकी उसकी भी पता चल जाए कि हमारी कैपेसिटी कितने बजे आगे फुल हुई है, अगर फुल हुई है तो हमारा हमें कितना का ऑर्डर देना चाहिए? दोबारा बताइए क्या क्वेश्चन है, मैंने नहीं क्वेश्चन सही सुना। जी सर, यही क्वेश्चन है कि हम अपनी कैपेसिटी कैसे देखें, मतलब क्या ऑटो उसको भी कन्फिगर करता है कि हमारी फर्ज करें जी 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है
और हमने जब ऑर्डर दिया तो हम हमारे माइंड में नहीं था कि हम इससे ज़्यादा अपने वेयर हाउस में नहीं स्टोर कर सकते। तो क्या ऑडो इसको ऑटोमेटिकली भी देख सकता है कि, या इसका फिर हमें खुद ही मतलब रिमाइंड रखना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर? नहीं, इसको खुद ब खुद नहीं देखता वो, लेकिन ये है कि आप कैपेसिटीज डिफाइन कर सकते हैं। ओडू आपको रोकता नहीं है कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, आप परचेज ऑर्डर वो डाल देगा, लेकिन अगर आपकी को कैपेसिटी फुल हो गई है, आपने डिफाइन की हुई अपनी लोकेशन पे, तो उस लोकेशन में स्टोर नहीं करने देगा, आपको किसी और लोकेशन में रखना पड़ेगा वो। ठीक है सर। और अगर इन टर्म्स ऑफ सेल हम कोई ना अपना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन है इधर? हाँ, उसके ऑप्शन बिल्कुल है इसमें। आप सेफ्टी स्टॉक भी रख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम लेवल्स भी मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के। थैंक यू सर। रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें मैंने एक लोकेशन फ्रिज ओपन कर दी है, मैं दिखा देता हूँ अभी मिनिमम मैक्सिमम लेवल्स भी कहाँ से वो ऑडो मैनेज करता है। और लोकेशन हमने सब लोकेशन फ्रिज ऑन कर दी है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट के ऊपर लगा दूंगा कि कुछ ऐसी अगर मेरी प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके लिए फ्रिज ज़रूरी है, तो वो जैसे ही आए करें सिस्टम उसका ट्रांसफ़र क्रिएट कर दे कि ये फ्रिज में भेज दें भाई। तो अभी हमने फ्रिज की एक लोकेशन सब लोकेशन बना ली है कि वेयर हाउस स्टॉक की ये सब लोकेशन है। ठीक है, पेरेंट लोकेशन मैंने दी है वेयर हाउस स्टॉक। तो मैं अब एक पुट अवे रूल बनाऊंगा। अच्छा, पुट अवे रूल कैसे बनता है वो भी आपको पता लग जाएगा यहाँ से। अच्छा, व्हेन प्रोडक्ट अराइव्स इन, मैं ऐसे कहता हूँ जी, वेयर हाउस स्टॉक में जब प्रोडक्ट आए। अच्छा, वो कौन सी प्रोडक्ट हो, मैं यहाँ से प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हम किसको परचेज करेंगे अभी, चीज़ बर्गर ले लेते हैं, यही पहले भी कर चाहिए थी। अच्छा, अगर आप प्रोडक्ट नहीं देना चाहते, प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर लगाना चाहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं मैं एक एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा यहाँ, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कुछ भी नहीं देंगे यहाँ पे, दोनों छोड़ देंगे, तो वो इस वेयर हाउस की सारी आइटम्स पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे इस वेयर हाउस में कोई भी आइटम आई करेगी, तो ऑडो ट्रांसफर डाल दिया करेगा वेयर हाउस कैसे फ्रिज में भेज दें जी, इस वाली लोकेशन में। ठीक है, तो अभी हम एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और आगे कंपनी भी है कि किस कंपनी में ये लगना है आपका पुट अवे रूल, तो मैं RUBS में लगा रहा हूँ उसको। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी। अच्छा, एक और चीज़ है, चलो परचेज करते हैं फिर आगे मूव करते हैं, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी मैं बताता जाऊँगा। ऑर्डर डालता हूँ, परचेज करने के लिए आपको पता है कि आपने सबसे पहले अपना वेंडर देना है। कल से हम डाल चुके हैं कुछ परचेज ऑर्डर्स, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है आपने, चीज़ बर्गर सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑटो आ जाएगी, क्वांटिटी आपने देनी है। मैं कहता हूँ जी मैं इसकी 10 क्वांटिटीज ले रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जो मैंने प्रोडक्ट डाली है आपने देखा होगा, इसके साथ ही एक आ रहा है क्लॉक, इसके ऊपर क्लिक करके आप प्रोडक्ट की हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि ये पहले किस किस से कहाँ कहाँ से परचेज हुई है। ठीक है, तो हुसैन ट्रेडर की उसने दे दी, अगर आप इसको ख़त्म करें तो, लेकिन अभी तक इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। इसके बाद आपने कंफर्म करना होता है अपने ऑर्डर को। अभी मैंने सिर्फ सेव किया है, यूनिट प्राइस मैं इसकी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये 500 का बर्गर है, और अगर आपने ये प्राइस इस आइटम की फॉर्म पे डाली है तो वहाँ से भी आ सकती है, इस वेंडर के साथ कोई एग्रीमेंट करके वहाँ भी आप डाल सकते हैं ये प्राइस, और प्राइस लिस्ट में भी आप डाल सकते हैं कि इसकी प्राइस क्या है इस वेंडर के साथ, मतलब इस वेंडर के साथ इसकी प्राइस अटैच कर सकते हैं अगर ऑटो लेके आनी है तो। मैं इस ऑर्डर को कंफर्म करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इस ऑर्डर को कंफर्म किया, देखें मेरा एक रिसीट का ऑपरेशन ओडू ने क्रिएट कर दिया कि आपने इस आइटम को रिसीव करना है कहाँ पे, वेयर हाउस इनपुट में। तो अगर मैं वापस करके इसे इन्वेंट्री में आऊँ, वो परचेज से शो हो रहा था, अगर मैं इन्वेंट्री में आऊँ तो आप देखें इसमें रिसीव में अगर आप आएँ तो आपको वन टू प्रोसेस नज़र आ रहा है। ठीक है, वन टू प्रोसेस ये का मतलब ये है कि अब आपने एक रिसीव प्रोसेस करनी है।
ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि परचेज ऑर्डर कंफर्म हो गया है और अब एक रिसीप्ट पेंडिंग है। एक हमने ऑप्शन ऑन किया था बार कोड का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास बार कोड स्कैनर है तो ओडो में बहुत कन्वीनियंट है कि आप यहाँ पे बार कोड स्कैन करें तो आईवन आपको वो ऑटोमेटिकली बता देता है। आप ऑपरेशंस के लिए भी बार कोड स्कैन कर सकते हैं, उसका भी कोड्स हैं, आप अपने टेबल पे या आप लगा सकते हैं कि मैंने अब रिसीट करनी है, तो आप पहले रिसीट का बार कोड स्कैन करेंगे तो आपको रिसीट के फॉर्म पे ले जाएगा, और वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट आपने बार कोड स्कैन करना है तो ऑटोमेटिकली आइटम पिक कर लेगा, बल्कि आइटम उसमें पहले ही लोड होगी, आपने सिर्फ स्कैन करना है कि कितनी आइटम्स आपके पास आई हैं फिजिकली जो आइटम होगी, तो क्वांटिटी सिस्टम अपडेट करता जाएगा। तो अभी मेरे पास चूंकि स्कैनर नहीं है, मैं ऑपरेशंस मैन्युअली सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह देखें उसकी स्क्रीन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें भी आपको वन टू प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं रिसीट के ऊपर क्लिक करता हूँ कि कौन सी रिसीट है, ओपन करो, तो ये बता रहा है कि हुसैन ट्रेडर की रिसीट है, आगे साथ उसकी डेट भी दे रहा है कि किस दिन ये आई है, और रेडी का मतलब है कि ये रेडी है रिसीव करने के लिए। जैसे मैं ओपन करूंगा तो इस तरह का आपके पास ओपन होगा बारकोड वाली ऐप में, आपने सिर्फ स्कैन करना है तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास बारकोड नहीं भी है तो आप इस स्क्रीन से मैन्युअली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी स्क्रीन से थोड़ी डिफरेंट है, बल्कि उससे अच्छी लगती है, और अगर आपकी आइटम ज़्यादा हो तो ऐसे नीचे वो दूसरी भी आ जाती है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, ये जो 10 प्लस आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो 10 की 10 क्वांटिटी आपकी देखें यहाँ पे उसने फिल कर दिया। पहले यहाँ पे 0/10 था, अब आपने उसने 10 की 10 फिल कर दिया कि आप 10 रिसीव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी मल्टीपल आइटम्स हैं तो आपने हर एक बस एक दफ़ा क्लिक करना है और वैलिडेट करेंगे तो ये आइटम आपकी वेयर हाउस इनपुट में आ जाएगी। ठीक होगा, अब ये देखें मैं वापस आता हूँ तो उसके ऊपर स्टेटस क्या आ गया, डन। दोबारा अगर मैं बार कोड वाले में जाता हूँ तो कोई और ऑपरेशन हमारा ड्यू है इसको करने के बाद। ठीक है, अब देखें मैंने रिसीट की, वो जीरो टू प्रोसेस हो गया, पहले यहाँ पे ट्रांसफर में जीरो टू प्रोसेस आ रहा था, अब ट्रांसफर में वन टू प्रोसेस आ रहा है, बाकी देखें सारे जीरो हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे भी जीरो था, अब मैं इसको ओपन करता हूँ ट्रांसफर को। ठीक है, ये रेडी हो गया, का मतलब है ये रेडी है करने के लिए। और अगर आप देखें तो इसमें आपको नीचे देखें, पहले वाला जो मैंने ट्रांसफर किया उसमें नीचे यहाँ पे आ रहा था वेयर हाउस इनपुट, इसमें आ रहा है फ्रिज वेयर हाउस। तो ये मैंने क्या लगाया था, कोई बताएगा ये क्यों इसमें जा रहा है? या तो सारों को समझ मुझसे पहले ही लग गई है, तो या फिर किसी को भी नहीं लग रही। और वो आपने फ्रिज को एक स्टोर के अंदर एक लोकेशन बना दी थी, वो आप वापस में ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसीव तो आपने कर ली है, तो सिस्टम को कैसे पता कि फ्रिज एक लोकेशन बनाई है तो इसमें मैंने ट्रांसफर करना है? वो तो आपने कॉन्फ़िगरेशंस पहले कर ली है। क्या कॉन्फ़िगरेशन की है, यही तो पूछ रहा हूं। वो कॉन्फ़िगरेशन आपने पीछे की थी कि हमारे पास फ्रिज पड़े हुए हैं, आपने तो एक फ्रिज बनाया, इसके अलावा और भी फ्रिज बना सकते हैं, लोकेशन बनाई है आपने बेसिकली ना, जैसे आप डिफरेंट वो बिन कार्ड सिस्टम होता था, डिफरेंट बिन होती नहीं, तो अभी अभी अगर मैं जाके ये फ्रिज वेयर हाउस आ रही है एक लोकेशन, तो अभी अगर मैं जाके एक फ्रीजर वेयर हाउस बना देता हूँ तो सिस्टम उसमें भी ट्रांसफर कर देगा? नहीं, उसमें ट्रांसफर नहीं करेगा, वो तो आपने पीछे ट्रांसफर किया, अभी आप यहाँ से करेंगे तो जाएगा, वो तो लोकेशन नीचे खोल देगा एक और के आपने कहाँ भेजना। नहीं, आपने सही जवाब नहीं दिया। बेसिकली आपने ना पुट अवे रूल डिफाइन किया था जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। हाँ जी, मैंने आपको दिखाया भी, बता के भी आया था कि मैंने एक पुट अवे रूल डिफाइन किया सिस्टम में, कि जैसे ही मेरे वेयर हाउस स्टॉक में आइटम आए, ये मैंने रूल लगाया है। ठीक है, अभी आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप लोगों को याद रहे, जो पुट अवे रूल है ना वो आप लोग कन्फिगर कर सकते हैं और बड़ा यूज़ होता है, तो आपने उसको याद रखना है। अभी मैं दोबारा जाता हूँ बाहर। ठीक है, बाहर गया, मैं गया इन्वेंट्री में, कॉन्फ़िगरेशन में, पुट अवे रूल में। तो ये मैं अभी आप लोगों के सामने सारों के डिफाइन करके गया हूँ कि वेयर हाउस स्टॉक में जैसे ही चीज़ बर्गर आए तो वेयर हाउस स्टॉक फ्रिज वाली लोकेशन पे मूव करे। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1000 भी लोकेशन है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिस्टम ट्रांसफर डालेगा, उसी में डालेगा जो मैंने यहाँ पे जिसका पुट अवे रूल डाला है। वो सर मैंने बताया ऐसे ही था, लेकिन बस मेरा बताने का
चलें कोई मसला नहीं आपको, आप ठीक अगर आपको ये याद था तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन इसका नाम है पुट अवे रूल, हाँ ठीक है। ये आपने चलिए याद रखना है कि आप पुट अवे रूल डिफाइन कर सकते हैं, जिसका मतलब तो ये है कि अगर एक लोकेशन से आप दूसरी लोकेशन पे ऑटोमेटिकली सजेशन चाह रहे हैं मूवमेंट की, तो आप पुट अवे रूल्स डिफाइन कर दें, ओडू आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया करेगा कि ट्रांसफ़र क्रिएट कर दिया करेगा कि भाई आप मूव कर लें। तो आपने ठीक देखा होगा जैसे ही मैंने प्रोडक्ट रिसीव किया है तो उसने साथ ही एक ट्रांसफ़र खुद ब खुद क्रिएट कर दिया। तो मैं दोबारा जाऊंगा इन्वेंट्री में, बल्कि मैं बार कोड में जाता हूं, हम बार कोड से ही वो एंट्री दोबारा करते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस में गया तो उसके बाद 1-2 प्रोसेस मेरा इंटरनल। सर आपकी आवाज आ नहीं आ रही। रहा है जो कि है कि वेयर हाउस स्टॉक से आपने ट्रांसफर करना वेयर हाउस फ्रिज में। शीला टी शर्ट साउंड का प्रॉब्लम है, स्क्रीन भी दोबारा शेयर कर लें। जी आप स्क्रीन शेयर हो गई है आपको? जी सर हो रही है। अच्छा, उसमें यह है कि अब जैसे ही आप जाएंगे उसमें ऑपरेशंस में अगर मैं जाता हूँ तो वो जो ट्रांसफ़र आ रहा है हम उसको भी प्रोसीड कर देंगे। तो जो आ रहा है मैं इस पे 10 पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा उस फ्रिज में अब चली जाएगी। ठीक हो गया, तो अब वो ये हो गया सिंपल ट्रांसफ़र। अब हम जाते हैं और एक मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि अब जो मैंने रिसीव किया ना, तो अगर हम इन्वेंट्री में जाएँ तो ये भी क्लियर कर ही दूँ कि हम रिपोर्टिंग में जाएंगे और अपने स्टॉक्स में जाएंगे तो आप उसका स्टॉक देख सकते हैं उस आइटम का, कि जो चीज़ बर्गर है देखिए मैंने 10 जो है वो परचेज किए हैं 10 ऑन। सर आवाज़ बंद हो गई है। यानी एंड आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसी मूवमेंट की हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि कहाँ से आए तो आपको बताएगा किसकी परचेज रही। अच्छा शकील, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी ना आवाज़ जिस जो है वो साउंड लॉस्ट हो जाती है, तो अब एक दफ़ा चेक कर लें इसको। जी अब आवाज़ ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे ही आप डालेंगे आप देख सकते हैं कि इसके मूव्स में वो आपको दिखा देगा कि हिस्ट्री में कि वो आपका आपने पहले वेयर हाउस इनपुट में लिया 10 और फिर आपने वेयर हाउस इनपुट से इस वेयर हाउस स्टॉक फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दिया 10। तो ये बेसिकली उसके मूव्स की हिस्ट्री दिखाता है, उर्दू में इसको मूव्स कहते हैं कि प्रोडक्ट कैसे कैसे मूव हुई। तो अगर मैं वापस जाता हूँ तो वो आपकी इन्वेंट्री रिपोर्ट पे, तो उसमें आपको उसकी इवन वैल्यू भी अगर आपकी है तो वैल्यू भी दिखाता है और उसके बाद आपको ऑन हैंड स्टॉक दिखाता है। और यहाँ से जाके आप इसका एडिट पे करके आप इसकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपको साथ ही वो भी दिखा देता हूँ।
ठीक है, तो अब देखें मैं उसकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की स्क्रीन पे आया हूँ, तो देखें इसमें एक स्केजुअल डेट आ रही है 31 दिसंबर 2023, तो ये वही डेट है जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिखाई थी कि वहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री साइकिल डेज वहाँ पे थे, तो आपने वहाँ पे साइकिल डेट वहाँ पे आपने 31 दिसंबर दी हुई है, तो उर्डू आपको स्केजुअल डेट बता रहा है कि आपने इस स्केजुअल पे इसका काउंट करना है और आपने काउंट करके इसकी इन्वेंट्री का स्टॉक जो है वो एडजस्ट करना है। तो अगर मैं जो वहाँ पे जो मैंने डेट दी हुई है वो आप स्केजुअल डेट वहाँ पे जो भी देंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाया करेगी। अच्छा उस डेट के ऊपर, अच्छा दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ये किसी को असाइन भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें तो जितने आपके सिस्टम में यूज़र्स हैं आप ये काउंट जो है किसी को असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं चूँकि उस स्टॉक से आया हूँ तो मैं वापस जाता हूँ तो आपको बताता हूँ कि वैसे आप कैसे करते हैं। ऑपरेशन में आपने जाना है इन्वेंट्री में, ठीक है, ऑपरेशंस में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे सॉरी एडजस्टमेंट में फिजिकल इन्वेंटरी, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो अभी चूंकि हम हमारे पास एक ही आइटम का स्टॉक आ रहा है तो एक ही आइटम आ रही है। ठीक है, जितनी भी आपके आइटम्स के स्टॉक आ रहे हैं वो सारी इधर आ जाएंगी, या अगर आप कोई नई आइटम आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं जिसका स्टॉक नहीं भी है तो आप यहाँ पे वो आइटम खुद सेलेक्ट करके उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट की स्क्रीन पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे वो स्केजुअल इन्वेंट्री काउंट दिखा रहा होता है सिस्टम के आपने इस दिन इस आइटम का काउंट करना है, और अगर आप उससे पहले काउंट कर लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं, आप आके यहाँ पे वो काउंट की डेट काउंट का स्टॉक अपडेट कर दें, आपने काउंटेड क्वांटिटी यहाँ पे देनी है, जो काउंटेड क्वांटिटी आप देंगे यहाँ पे फर्ज करें मैं कह देता हूँ जी मेरे पास इसका 5 पड़ा हुआ है, तो जो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे उसके बाद जो आप क्वांटिटी डालेंगे आपने अप्लाई करना है, तो इसका जो ये ऑन हैंड है ये भी 5 हो जाएगा, एडजस्टमेंट का वाउचर सिस्टम ऑटोमेटिकली डाल देगा। अच्छा इसके बाद इसमें ये भी ऑप्शन है कि आपने एक दफ़ा डाल दिया है बाद में आप वेरीफाई करते हैं तो आप कहते हैं नहीं इसका ठीक है मैंने ये अपडेट नहीं करना, डिफरेंस -5 जो आ रहा है तो आप इसको क्लियर कर देंगे तो वो दोबारा उसी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सजेस्टेड इन्वेंट्री काउंट सिस्टम दिखाता है। हाँ आप ये जो स्केजुअल डेट है मैंने कॉन्फ़िगरेशन में एक ही डेट सेट की थी, आप इस डेट को अपनी लोकेशन वाइज भी सेट कर सकते हैं, वेयर हाउस वाइज भी सेट कर सकते हैं, वो वेयर हाउस के फॉर्म के ऊपर भी ऑप्शन है। ये डिफ़ॉल्ट स्केजुअल डेट है जो अक्रॉस द कंपनी ये देगा सिस्टम, अगर आप चाहते हैं कि किसी एक वेयर हाउस का आपने हर 30 दिन बाद इन्वेंट्री काउंट किया करना है तो आप उस वेयर हाउस पे जाएंगे, मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ वेयर हाउस बल्कि लोकेशन पे है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ जी कॉन्फ़िगरेशन आप लोकेशंस पे जाएंगे और यहाँ पे ये वेयर हाउस लोकेशन मैं खोल लेता हूँ, तो ये देखें इन्वेंट्री फ्रीक्वेंसी डेज आ रहा है, इसका मतलब यही है अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि हर 30 डेज बाद मैंने इन्वेंट्री काउंट करना है। ठीक है, तो इसकी मुझे सिस्टम ये देखें नीचे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री काउंट, तो इसकी जो आइटम्स होंगी उसके ऊपर सिस्टम मुझे ये डेट सजेस्टेड दिखा रहा होगा उसी स्क्रीन पे। ठीक है, और इसके ऊपर जब मैं इन्वेंट्री काउंट कर लूंगा तो फिर वो अगली मुझे डेट ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा सिस्टम 3/11, तो मैं अगर इन्वेंट्री की स्क्रीन ऑपरेशंस में इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स की स्क्रीन पे जाऊंगा तो मेरी यहाँ पे जो डेट आ रही होगी जो वेयर हाउस स्टॉक में जो की लोकेशन में जो आइटम होगी उसकी वो सजेस्ट करेगा 3 अक्टूबर के, 3 अक्टूबर को आपने इसका इन्वेंट्री काउंट करना है। ये है आपके स्केजुअल्ड इन्वेंट्री काउंट्स के लिए कि आप अपनी लोकेशंस के ऊपर और इन्वेंट्री काउंट्स की डेट्स दे दें तो आप एडजस्टमेंट की स्क्रीन के ऊपर आपके पास वो जो आपके आइटम्स हैं वो उस डेट के ऊपर आप सारी सॉरी उस उन आइटम्स के सामने आपको वो डेट स्केजुअल आ रही होगी जिसको आपने वो इन्वेंट्री काउंट करना है। इसके अलावा अगर आप कहीं आगे पीछे इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं तो भी वो आके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे आप एक्सेल में बना के अपना इन्वेंट्री काउंट अगर आपने किया है तो आप काउंटेड क्वांटिटी देके और सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंपोर्ट कर दें, इंपोर्ट करने के बाद फिर आपने इनको सारों को यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके अगर आइटम्स नीचे ज़्यादा भी हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर दें तो जो आपकी काउंटेड क्वांटिटी है वो ऑन हैंड क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया, और जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे जो आपकी स्केजुअल डेट है वो नेक्स्ट इन्वेंट्री काउंट की आ जाएगी कि आपने एक दफ़ा काउंट कर लिया अब आपका अगला इन्वेंट्री काउंट इस डेट को है स्केजुअल्ड है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो वो कर सकता है। शकील साहब एक सवाल था जी,
कि हमारे पास ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि अगर हम स्टॉक को एक लोकेटर से उठा के दूसरे लोकेटर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम उसको मैप कर सकते हैं कि जैसे ही हम उसको सेल वहां से हमारी हो तो वो उस सब स्टोर से वो स्टॉक ऑटो लेस हो जाए। हाँ, क्योंकि वो जब से आपका जब आपका सेल होगा तो सेल ही उसी सब लोकेशन से होगा ना। ठीक हो गया, और अगर इन्वेंटरी नहीं होगी तो वो सेल होना बंद हो जाएगा। हाँ, वो ओडू में जो इन्वेंटरी नहीं होगी तो सेल होना बंद हो जाएगी, उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ती है। ओडू डिफॉल्ट जो है वो आपको रोकता नहीं है, अगर आपकी इन्वेंटरी खत्म भी हो गई है तो आपको सेल करने देता है, आप कर सकते हैं ओडू में सेल। लेकिन उसमें आप करना चाहें कि नहीं मैंने रोकना है, तो आपको वो सेटिंग में जाके आप लोकेशन के ऊपर ऑफ कर सकते हैं कि भाई इसकी नेगेटिव ना जाए क्वान्टिटी। अच्छा ठीक हो गया। कंट्रोल कर सकते हैं आप। अच्छा शकील सर, मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो सर प्राइस इन्वेंटरी के रिलेटेड, सेकंडली जो शॉर्ट और एक्सेस आपने कहा सिस्टम काउंटेड क्वांटिटी को लेगा, तो हमने आगे रिमार्क्स नहीं, कोई रीजनिंग नहीं सिस्टम रिक्वायर करेगा कि इसकी शॉर्ट है एक्सेस की क्या रीजनिंग है ये? करेगा वो जब आप करेंगे ना, ये देखें अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने ये जो ऊपर राउंड टेबल है इसका मैंने डाला है और मैंने इसका स्टॉक अपडेट किया, इसका पहले 0 था, मैंने 5 अपडेट किया एडजस्टमेंट से। तो देखें मुझे सिस्टम क्या स्केजुअल डेट बता रहा है इसकी, 3 अक्टूबर, क्योंकि ये किस वेयर हाउस में मैंने किया है और किस वेयर हाउस में पड़ा हुआ, और इस वेयर हाउस पे अभी मैंने आपके सामने लगा के आया हूँ कि 30 दिन बाद इसका मैंने काउंट करना है नेक्स्ट काउंट। तो अगली स्केजुअल डेट उसने मुझे बता दिया कि 30 अक्टूबर को आपने इसका काउंट करना है। एक तो ये हो गया, ये मैंने डेट का इम्पैक्ट आपको दिखा दिया है, और दूसरा ये है कि अगर आप जो आप बात बता रहे हैं कि क्या आपने पहला क्वेश्चन कहा था, इमरजेंसी काउंट, मैंने सरप्राइज काउंट का पूछा था कि सरप्राइज काउंट आप सरप्राइज कर सकते हैं जब मर्जी आप जाएं, आप फ्लोर पे जाएं, आप जाके उसका काउंट करें। और इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे जो करंट सिस्टम है इसमें हम कट ऑफ होता है इश्यूज या परचेज ना पेंडिंग हो और हमारे बिल्कुल क्लियर हो उसके रिलेटेड कोई इंडिकेटर्स, सेकंडली स्केड्यूल उसका अगर सरप्राइज देना तो यहाँ पे दे सकेंगे सरप्राइज क्लियर देंगे, और जो शॉर्ट और एक्सेस डालना है उसके रीजनिंग रिमार्क्स, ये 3 चीजें थी। हाँ उसमें मैं बताने लगा हूँ ना, आप अच्छा मोहसिन, सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि करंट सिस्टम में आपको क्यों कट ऑफ लगाना पड़ता है? सर इसमें ये है कि लेट्स को जा रहे ड्यू कोई इश्यूज पेंडिंग है, कोई परचेज पेंडिंग है, हम जाके स्टॉक काउंट करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट अगर पोस्टिंग लेवल में पेंडिंग पड़ा हुआ तो हमारा तो स्टॉक रियल बेस पे नहीं होगा, उसको हम मैच नहीं कर देखो सकते। सबसे पहले यहाँ पे ये बता दूं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है ना, पेंडिंग के रीजन होते हैं, ठीक है। नॉर्मली सबसे इफेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल, जैसे भी हमने स्टार्ट में बात की थी, ये वो कंट्रोल होता है जिसमें स्टॉक की मूवमेंट के साथ आपकी ट्रांजेक्शन हो रही होती है, ठीक है। अगर आपका स्टोर वाला पर्सन कहता है कि मैं 3 दिन बाद उसकी इन्वेंट्री डालूंगा, 3 दिन बाद ट्रांजेक्शन डालूंगा, तो इसका मतलब है कि आपका तो फंक्शन ही प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले इस सोल्यूशन को बजाय हम के सिस्टम में उसके लिए कोई सोल्यूशन देखें, सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन के साथ देखो, बड़ा आसान सा मॉडल है ना कैशियर का। कैशियर जैसे ही पैसे आते हैं एंट्री करता है, जाते हैं एंट्री करता है, अगर वो कहे मैं बाद में करूंगा उसका कैश कभी भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन उसी के साथ हो जो सिस्टम में जो एक्चुअल हो रही है। सेकेंड आपको कट ऑफ इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आप लोग हार्ड कॉपी के ऊपर स्टॉक टेक करते हो, स्टॉक काउंट करते हो ना, तो आप फिर उसके उसके बाद प्रोसेस रोक देते हो। मगर व्हाट इफ अगर वही स्टॉक अकाउंट आप डिजिटल कर रहे हो, ठीक है, आपके पास टैबलेट्स हैं, आप सिस्टम में जाते हैं, अच्छा वहां पे क्या है स्टॉक मूवमेंट भी हो रही है, तो वो तो आपको करंट ट्रांजेक्शन और करंट स्टॉक दिखा रहा होगा ना, लाइव दिखा रहा होगा। तो ऐसी सूरत में आपको किसी कट ऑफ की जरूरत नहीं होती, आप टैबलेट लेके जाएं, आप देखें इस वक्त सिस्टम में क्या स्टॉक आ रहा है, रियल स्टॉक क्या है, आप उसको मैच करें, वही आपका स्टॉक अकाउंट होगा। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन है, मैं दिखाने लगा था आपको कि जो आप कह रहे हैं कि जो आपने कट ऑफ लगाना है ओडू में उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, उसकी रीज़न ये है कि आपने रिक्वेस्ट काउंट करना है जो आप कह रहे हैं कि सरप्राइज काउंट है, ठीक है। अब यहाँ से आएँ, अपनी आइटम सेलेक्ट करें, ठीक है, रिक्वेस्ट काउंट करें, आपने डेट देनी है इन्वेंट्री डेट, किस डेट की ये इन्वेंट्री ले रहा है, ठीक है, और आपने यूज़र सेलेक्ट करना है कि आप किस से रिक्वेस्ट काउंट कर रहे हैं, मैं अपने आप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अकाउंटिंग डेट आपने देनी है कि इसकी जो एडजस्टमेंट होगी इस काउंट की किस दिन डले, ठीक है। जो रिक्वेस्ट काउंट आप कर रहे हैं इसमें सिस्टम पूछ रहा है कि जो आपके पास काउंटेड क्वांटिटी है, जो आपका कॉलम होगा रिक्वेस्ट काउंट में, वो उसमें करंट स्टॉक फिल कर दूं या ब्लैंक हो,
ठीक है, आप लीव एम्प्टी के साथ इसको कंफर्म करें, ठीक है। अब देखो मैंने रिक्वेस्ट काउंट किया है, जो मेरी जितनी आइटम जो मैंने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे लोड हो गई है स्क्रीन पे, फ्रेश हो गई ना स्क्रीन, और स्केड्यूल डेट क्या आ गई है, क्योंकि मैंने आज ही उसको रिक्वेस्ट किया है तो आज की डेट आ गई है। तो इसका मतलब यह है कि ये शकील अहमद ने, मैंने यूज़र भी असाइन कर दिया है, आज के दिन ही इन दो आइटम्स का सरप्राइज काउंट करना है और जो काउंटेड क्वांटिटी है वो यहाँ पे डालेगा, ठीक हो गया। अब आपका जो काउंट स्टॉक काउंट कर रहा है वो इस पर दो दिन लगा देता है, तीन दिन लगा देता है, जैसे ही आप बाद में आएंगे तो ये जो आपकी काउंटेड क्वांटिटी आ रही है, अगर आप बाद में आते हैं तो सिस्टम आपको इसमें ऑप्शन देता है, अगर उसमें कोई ट्रांसफर डाल जाते हैं तो सिस्टम आपको बताता है कि ये जो आपका 5 आ रहा है अभी स्टॉक में 5 नहीं है, इसमें कुछ ट्रांसफर्स डाल चुके हैं, तो क्या आप अब रियल स्टॉक देखना चाहते हैं, तो वो ओडू में है ऑप्शन। अब आपने 5 उठा लिया और 10 उठा लिया, ओडू ने आपको बता दिया आपका ऑन हैंड क्या पड़ा हुआ है, इसके बाद आप जो मर्जी स्टॉक के साथ करते रहें तो आपके पास इस स्क्रीन में यही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें। लेकिन जब आप दोबारा काउंटेड क्वांटिटी अपडेट करने से पहले अगर आप देखना चाहें कि अब क्या ऑन हैंड है, तो ओडू ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बटन आ जाता है अपडेट का, कि आप स्टॉक को दोबारा अपडेट करके मुझे बताओ, और वो रिकमेंड भी कर देता है अगर इसमें कोई ऊंच नीच हो गई तो, हो सकता है आप बाद में इसे परचेज भी कर लें और इसमें कोई ट्रांसफर भी डाल दें तो वो बता देता है, ओडू यहाँ पे बटन आ जाता है कि आप इसकी हिस्ट्री चेक करें, इसमें मूवमेंट हो गई है, उस पर जाएं तो बता देता है इतने कि इसमें मूवमेंट भी हो गई है आपके अकाउंट के दौरान दौरान या बाद में। जी सर, मेरा भी क्वेश्चन है। जी ऑन हैंड क्वांटिटी और जो काउंटेड क्वांटिटी है इनके दरमियान जो भी हुआ, तो एक तो ये बता दें कि उसकी जो ऑटोमेटेड मतलब उसकी ट्रीटमेंट है जो ओडू खुद कर देता है वो बता दें, और एक ये कि अगर आपने खुद करनी हो तो उसके मतलब क्या क्या मतलब कस्टमाइज वेज हो सकते हैं जो हम खुद कर सकते हैं। खुद क्या ट्रीटमेंट खुद करनी हो तो? जी सर, मतलब उसकी डिस्पोजल या उसका वो लॉस में कर दिया या मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का कोई बना दिया अकाउंट वगैरह वगैरह। नहीं, उसका ओडू ने नहीं डाला। एक हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि अभी जो दो मेरी आइटम्स आ रही हैं उनका अगर मैं कॉस्ट मैन्युअली अपडेट कर दूं, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ओडू करता है तो अगर कॉस्ट जीरो है तो फिर भी वाउचर नहीं डालता सिस्टम। ओके सर, अली शान आपका क्या क्वेश्चन है, तब तक आप बता दें। 3000 कॉस्ट है। सर नॉर्मली ऐसा होता है कि जो इन्वेंट्री कर रहे होते हैं उन्हें हम इन हैंड क्वांटिटी नहीं बताते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें हमें जो है यूजर स्पेसिफिक जो है इन हैंड क्वांटिटी ना बताएं उन्हें हम, और जस्ट उनके पास इन हैंड स्टॉक में आ रही है वो चाहें कि वो काउंट करके बताओ। हाँ ऐसा हो सकता है ना, आपका जो यूजर है जी, वो उसको उसको तो आप कोई ना कोई प्रिंट ही देंगे ना करने के लिए, तो अगर आपने उसको सिस्टम ओडू में ये भी ऑप्शन है कि आप बारकोड इन्वेंटरी काउंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि मैं दिखा देता हूँ आपको, उसमें यूजर को बस जाके वो प्रोडक्ट स्कैन करेगा, स्टॉक काउंट को ऑटोमेटिकली आता जाएगा।
अभी मुझे अकाउंटिंग ऑटोमेट कर लेने दें, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, ये मैं बेसिकली ओडू में पहले सेटिंग नहीं ऑन थी कि ऑटोमेटिक आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो, ये मेरे ख्याल में पता नहीं मैंने पिछले सेशन में बताया कि नहीं बताया, शायद इन्वेंट्री तो हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि ओडू में ये ऑप्शन होता है, मैं आपको अभी कैटेगरी पर जाके बता देता हूँ कि आपका जो है आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ऑटो करना चाहते हैं या मैनुअल करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ इंडस्ट्रीज मैनुअल इन्वेंट्री को भी यूज़ करती हैं जिसमें उनकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट्स हैं वो इतनी रियलिस्टिक नहीं होती, तो उसमें वो ये चाहते हैं कि जब भी हमारी वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो या इन्वेंट्री के वाउचर्स डलें तो उससे पहले हम इन्वेंट्री की कॉस्ट खुद अपडेट करें और फिर वाउचर डलें, तो उसमें वो फिर मैनुअल इन्वेंट्री प्रेफर करते हैं और कॉस्ट खुद अपडेट करके इन्वेंट्री की, तो फिर वो मैनुअल एक मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे या जब भी उनकी पीरियड क्लोजिंग होती है इन्वेंट्री के वाउचर्स वो खुद डालते हैं। ठीक है, ये उन केसेस में होता है जहाँ पे उनकी जो इन्वेंट्री है वो उसकी जो कॉस्टिंग है वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रेट्स पे बड़ा डिपेंड करती है और वो चाहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री में उसका इम्पैक्ट आए, या उनकी जो इन्वेंट्री है वो उसकी जो टाइप है वो ऐसी है कि वो अगर वो ज़्यादा देर पड़ी रहे इन्वेंट्री में तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, या मीन टू से उनकी इन्वेंट्री में इन्वेंट्राइज रहने की वजह से उसकी कॉस्ट भी आ जाए वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो उसके इम्पैक्ट्स लेना चाहते हैं अपनी इन्वेंट्री में। तो इसके इन केसेस में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो कहती हैं जी हम मैनुअल इन्वेंट्री कॉस्टिंग पे जाएंगे, हम खुद जब पीरियड क्लोजिंग करेंगे तो हमें चाहिए तो बेसिकली इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चाहिए, वैल्यूएशन उनको मिलती रहती है सिस्टम में, वाउचर नहीं डलते, वाउचर तब डलते हैं जब वो पीरियड क्लोजिंग करते हैं, जब वो अपनी मंथली क्लोजिंग करते हैं, जब उन्होंने फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करने होते हैं तो वो इन्वेंट्री के जनरल्स खुद डाल लेते हैं, वो जितनी उनके पास इन्वेंट्री आ रही होती है वो उसको अपडेट कर लेते हैं, जितनी उस महीने में कंजम्पशन हुई हो उसी के हिसाब से फिर उनका एक कंजम्पशन का वाउचर डाल देते हैं या सेल का वाउचर जो भी उन्होंने डालना हो उस इन्वेंट्री के लिए। ठीक है, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू रियलिस्टिक होती हैं, आपकी परचेज कॉस्ट ही इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है, और या उसमें अगर कोई लैंडेड कॉस्ट है भी है तो उसमें सिस्टम में ऑप्शन होता है आप लैंडेड कॉस्ट इनकॉर्पोरेट कर लें, तो उसमें वो ये कहते हैं कि फिर वो ऑटोमेटिक अकाउंटिंग पे जाते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो इन्वेंट्री की ऑटोमेटेड हो रही हो, जब भी हमारे पास रिसीव हो इन्वेंट्री तो भी ऑटोमेटेड वाउचर डले, और जब वो इन्वेंट्री कहीं पे भी कंज्यूम हो या सेल हो तो भी ऑटोमेटेड वाउचर्स डाल रहे हो। तो ऑटोमेटेड अकाउंटिंग ओडू में बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता, तो आपको करना पड़ता है, तो अभी मैंने ये बाय डिफॉल्ट ऑन कर दिया सेटिंग में आके, तो ये मैंने इसको डिफॉल्ट अकाउंट्स लगा दिए। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन होता है कि आप क्या नाम लेते हैं अपनी आइटम की कैटेगरी के ऊपर जाके, ये मैंने डिफ़ॉल्ट पूरे सिस्टम के लिए लगाए हैं, इसके बाद आप अपनी आइटम की कैटेगरी में जाके कैटेगरी वाइज भी लगा सकते हैं ये अकाउंट और उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्ट की कैटेगरीज में जाता हूँ तो मेरे पास अभी ऑल ही मेरे ख्याल में यूज़ हो रही है सारों के लिए, तो इसमें देखें इन्वेंट्री वैल्यूएशन पहले मैनुअल आ रहा है, तो इसमें ऑटोमेटेड करूँगा तो नीचे ऑटोमेटिक अकाउंट्स आ जाएंगे जो मैंने डिफ़ॉल्ट में मैप किए हैं। ठीक है, ये देखें वो सारे वही अकाउंट आ गए जो मैंने सेटिंग में लगाए हैं। ठीक हो गया, समझ लग रही है? जी सर। नहीं लग रही तो पूछ लेना भाई।
थोड़ा सा कम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो आप अपनी, अगर मैं इन सिंपल बताना चाहूं तो आपकी जो इन्वेंटरी की अकाउंटिंग है उसके दो मेथड हैं ओडू में, मैनुअल इन्वेंटरी अकाउंटिंग मेथड, जिसको अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएं तो वो उसको परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहते हैं मेरे ख्याल में, और दूसरा है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग मेथड जिसको रियल टाइम इन्वेंटरी वैल्यूएशन कहते हैं। तो अगर आप मैनुअल पे हैं तो ओडू उसके वॉचर्स नहीं ऑटो डालेगा, अकाउंटिंग के जर्नल्स नहीं डालेगा, लेकिन आपको बहरहाल अपनी इन्वेंटरी की कॉस्ट्स और वैल्यूएशन इन्वेंटरी मॉड्यूल से मिल रही होंगी, ठीक है। और इन्वेंटरी मूव्स की कॉस्ट भी आप देख सकते हैं। अगर मैनुअल है तो सिर्फ जीएल नहीं डालेंगे, और अगर आपका ऑटोमेटेड अकाउंटिंग मेथड है तो उसमें यह है कि आप जैसे जैसे इन्वेंटरी आपकी मूव होगी, आप परचेज करेंगे, रिसीव करेंगे, या आप उसके बाद उसको डिलीवर करेंगे या प्रोडक्शन में या कहीं भी कंज्यूम करेंगे, तो उसके वॉचर्स ऑटोमेटिकली डाल रहे होंगे। तो फिर ऑटोमेटिकली अगर डलेंगे तो उनके लिए अकाउंट्स क्या क्या यूज होंगे, अगर आप ऑटोमेटेड इन्वेंटरी मेथड वैल्यूएशन मेथड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपने नीचे उनके अकाउंट्स भी देने हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स यूज होंगे। तो अगर मैं अकाउंट्स आपको बता दूं कौन कौन से मैंने दिए हैं, सबसे पहला अकाउंट है स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब यह है कि आपका जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन किस अकाउंट में जाएगी, जब आप रिसीव करेंगे तो यही अकाउंट, ये एसेट का अकाउंट होता है, डेबिट हो रहा होगा, जब आप डिलीवर करेंगे तो ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, इसी तरह जब आप कंज्यूम करेंगे तो भी ये क्रेडिट हो रहा होगा। इन सिंपल, अगर आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ रही है तो ये अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, अगर आपके स्टॉक की वैल्यूएशन कम हो रही है, वो एडजस्टमेंट से हो, डिलीवरी से हो या कंजम्पशन से हो, तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। स्टॉक जनरल नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी इन्वेंटरी की कोई ट्रांजैक्शन डले तो उसको जनरल कौन सा लगे, उसकी वॉचर की क्या टाइप होगी, तो उसको इन्वेंटरी वैल्यूएशन जनरल हमने लगाया। इसकी टाइप मिसलिनियस ही होती है, ना ये सेल का, ना परचेज का, ना कैश का, ना बैंक का, लेकिन इसका नाम जो है इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, ठीक है। स्टॉक इनपुट अकाउंट का मतलब यह है कि ये टेम्परेरी अकाउंट होता है, स्टॉक इनपुट अकाउंट, इसको इंटरिम स्टॉक रिसीव का मैंने नाम दिया है, इसमें इंटरिम बैलेंस आता है, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक रिसीव्ड बट नॉट बिल्ड, ठीक है। तो जैसे ही आप इनवाइस डालेंगे तो आपका जो वैल्यू है इस स्टॉक से निकल के, इस अकाउंट से निकल के आपकी जो वैल्यू है वो आपके पेबल में चली जाती है, तो बाद में आपका इम्पैक्ट जो रह जाता है वो सिंपल स्टॉक इन हैंड में रह जाता है और पेबल अकाउंट में रह जाता है। तो ये स्टॉक, ये अकाउंट बेसिकली एक इंटरिम अकाउंट के तौर पर यूज हो रहा था, जब आप इन्वेंटरी रिसीव करते हैं तो ये क्रेडिट होता है, और जब आप इनवाइस बुक करते हैं तो ये डेबिट हो जाता है, क्योंकि जब आप इन्वेंटरी रिसीव करते हैं तो आप पेबल बुक नहीं कर सकते जब तक आप इनवाइस ना डालें, तो ये पेबल की जगह पे क्रेडिट हो रहा होता है। तो जब आप पेबल डालते हैं, इनवाइस डालते हैं, तो ये फिर डेबिट हो जाता है और आपका रियल पेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। इस तरह नीचे स्टॉक आउटपुट का अकाउंट है, ये सेम लाइक इनपुट की तरह इसका कंसेप्ट है, ये डिलीवरी के टाइम पे यूज होता है। जब आप स्टॉक डिलीवर करते हैं तो आप रिसीवेबल बुक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपने सेल इनवाइस नहीं डाली होती, तो फिर स्टॉक सिस्टम क्या करता है कि स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट को आपके को क्रेडिट कर देता है, क्योंकि स्टॉक आपका कम हुआ है, और रिसीवेबल की जगह पे इंटरिम स्टॉक डिलीवर्ड के अकाउंट को डेबिट करता है, ठीक है। जब आप रिसीवेबल इनवाइस बुक करते हैं तो इसी अकाउंट को सिस्टम फिर क्रेडिट कर देता है और डेबिट आपका कर देता है रिसीवेबल अकाउंट एक्चुअल जो उस कस्टमर का अकाउंट होता है। प्रोडक्शन अकाउंट आपका अभी अकाउंट है, जब आप प्रोडक्शन में स्टॉक मूव करते हैं तो उसको कौन सा अकाउंट लगेगा, तो ये उसके लिए है। बाकी एक्सपेंस अकाउंट आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट है, अगर आप जब डिलीवरी करेंगे तो यही अकाउंट कॉस्ट ऑफ सेल के लिए यूज हो रहा होगा, और अगर आप कंजम्पशन करेंगे तो ये अकाउंट यूज हो रहा होगा। अब हम कहां से शुरू हुए थे, मुझे भूल गया। स्किल साहब एक सवाल था जी। स्किल साहब इधर जहां पे हम है ना, एक इशू आता है और वो हमारे लिए, हमें तो समझ नहीं आता कि उसका हल क्या है, तो ओडो में उसका हल मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि एक जीआरएन डाले, जीआरएन के ऊपर रेट तो तभी लगेगा जब परचेज इनवॉइस लगेगी उसकी, ठीक है। तो परचेज इनवॉइस अभी लगती नहीं है, और जीआरएन से जो चीजें हैं वो क्योंकि स्टॉक में तो आ चुकी होती हैं, तो स्टोर वाला जो आदमी है वो उसका इशू नोट या उसका ट्रांसफर या उसका डिस्पैच लगा देता है, क्या डिस्पैच तो नहीं कह सकते क्योंकि डिस्पैच तो फिक्स प्राइस पे लगेगा, या उसके इश्यूज कर देते हैं सिंपली, क्योंकि सिस्टम के पास उसका कोई रेट नहीं होता परचेज रेट, या तो सिस्टम उसको पिछले किसी एवरेज रेट से बेस पे इश्यूज कर देता है, या फिर कभी कभार अगर वो फर्स्ट टाइम परचेज हो रहा तो जीरो रेट पे इशू कर देता है। परचेज इनवाइस जाके लगती है कोई हफ्ते के बाद, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें फिर हमें ये इशू आता है कि हमारी जो कंजम्पशन होती है वो टैली नहीं हो रही होती इन्वेंटरी मॉड्यूल की और फाइनेंशियल मॉड्यूल की,
जब तक हम जो वैल्यूएशन है उसको मैनुअल रन नहीं करते, तो ओडो इसको कैसे लेके चलता है? ओडू में तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है ना, ओडू आपका रेट जो है परचेज ऑर्डर से आना है, आपके सिस्टम में परचेज ऑर्डर नहीं डलता? परचेज ऑर्डर तो डलता है, लेकिन हम क्योंकि वो परचेज ऑर्डर वाला रेट जो है वो एडिट हो सकता है, क्योंकि अगर हमने एक पीओ बनाया डिलीवरी के टाइम पे वो रेट चेंज हो गया तो वो हमने इसलिए उसको मैनुअल छोड़ा हुआ है कि चलें उसको आप बढ़ा सकते हैं, इसलिए उस रेट पे इंपैक्ट नहीं डलवाते हम, परचेज इनवाइस का जो रेट है उस रेट पे लेके चलते हैं कि जो फाइनल जो रेट डाल रहे हैं जिसकी बेस पे हमारा वेंडर क्रेडिट होना है, हम उसी रेट जब तक वो फाइनल नहीं होता उसको वही रेटिंग वो रेट नहीं लगवाते। अच्छा, ओडू में इस तरह नहीं है, और इवन ओडू क्या जितने भी स्टैंडर्ड सिस्टम है जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उन सारों में ऐसा नहीं है। आपका जो इन्वेंट्री जो आपकी डेबिट होती है वो परचेज ऑर्डर के रेट पे ही होती है। जो भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वो यही है कि आपका जो परचेज ऑर्डर का रेट है, क्योंकि परचेज ऑर्डर इज जस्ट लाइक अ एग्रीमेंट, आप जो अपने वेंडर से करते हैं और उसको आप देते हैं, तो उसका जो रेट है उसके ऊपर सिस्टम लेके जाता है आपकी इन्वेंट्री को, आपकी इन्वेंट्री को डेबिट करता है। हाँ, ये सारे सिस्टम्स में ये ऑप्शन है, और ओडू में भी ऑप्शन है कि आप इनवाइस के ऊपर जाके अपना रेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पीओ के ऊपर आपने वेंडर को पीओ दिया, 20 रुपये का रेट आपने एग्री करवा लिया, लेकिन जब चीज़ें आते आते डिलीवर करते करते आपको टाइम लग गया, 10 दिन 15 दिन, वेंडर कहता है जी अब आपका डॉलर बढ़ गया या कोई भी रीज़न हो सकती है, वो कहता है जी अब आज 20 नहीं, अब मैं 22 रुपये लूँगा, ठीक है, आपका रेट चेंज हो गया, तो वो इतना का डिफरेंस आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि उसने पहले आपसे 20 एग्री किया था परचेज ऑर्डर के टाइम पे और अब वो कह रहा है जी मैं 30 लूंगा या 40 लूंगा। इतना हो सकता है कि 20 की बजाय 19 हो जाए, 18 हो जाए, या 22 हो जाए, 23 हो जाए। उसके लिए सारे सिस्टम्स फैसिलिटी देते हैं, और ओडू भी दे रहा है कि आप इनवाइस के ऊपर रेट चेंज करेंगे और जो आपका डिफरेंस होगा वो जो 3 रुपये का या 2 रुपये का डिफरेंस है उसको ओडू डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको परचेज प्राइस डिफरेंस अकाउंट कहते हैं, उसमें बुक करता है। इन्वेंट्री आपकी 20 पे ही रहती है, ठीक है, जो 3 रुपये का डिफरेंस है वो ओडू ले जाता है परचेज प्राइस डिफरेंस अकाउंट में। तो आप कभी भी किसी भी वक्त आप रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं कि मेरे कितने प्राइस डिफरेंसेस आए और उनकी वैल्यू कितनी है टोटल, क्योंकि वो अलग पार्क हो रहे होते हैं परचेज प्राइस डिफरेंस अकाउंट। ठीक हो गया, इसका मतलब हमें भी अपना प्रोसेस ऐसे करना चाहिए, की जरूरत है ऐसे करना चाहिए। आपको जो डिफरेंस है अगर कहीं आता भी है डिफरेंस, तो वो आपको लेके जाना चाहिए डिफरेंस अकाउंट में, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा शकील, मुझे उसके लिए अपनी स्क्रीन भी शेयर करनी होगी, आप बस 2-3 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी मैं ऑफ। अच्छा सर, जो मोस्टली सिस्टम्स चल रहे हैं ना, जो हमारे लोकल सिस्टम्स में ये काफी सारी प्रॉब्लम है कि कुछ फर्दर कंट्रोल्स को मैनेज करने के लिए ना चीजों को प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक जो ये बड़ी कॉमन वर्किंग है आपकी परचेज इनवाइस वाली ना, कि कुछ ऐसे भी सिस्टम है जिसमें बेसिकली जीआरएन है ही नहीं, वो परचेज इनवाइस पे ही इन्वेंट्री को आप करवाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है ना यहाँ पे परचेज मॉड्यूल में, वो एक मैं सिर्फ की डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, परचेज ऑर्डर जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट का रेट दे रहे हो, उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका जीआरएन है जहाँ से इन्वेंट्री इन हो रही है, रिसीव नोट, और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है ये आपकी इनवाइस है। अच्छा, ये जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं ना, इसी चैलेंज का सलूशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की जो प्राइस है, स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी जी। अच्छा, अब जो उसकी जो प्राइस थी फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की, वो हमने लिखा यहाँ पे 20 रुपीज, ठीक है। अब जब वो 20 रुपीज है तो जीआरएन पे जब वो प्रोडक्ट आई है तो वो कहता है जैसे ही प्रोडक्ट आई आप उसको फौरी रिसीव करें, ठीक है, और फौरी कंज्यूम करें, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ कि ये रेट है, प्राइस है यानी, और ये क्वांटिटी है। अब आपकी क्वांटिटी कम ज्यादा भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपने 100 का ऑर्डर दिया और जीआरएन पे आपकी सिर्फ 20 आई या 30 आई, तो वो पार्शियल जैसे ही आई आप क्या करो कि आप उसकी कंजम्पशन स्टार्ट कर दो, नहीं तो कई दफा ये होता है कि वेंडर इनवाइस भेजते नहीं है जब तक वो आपको 100% क्वांटिटी ना भिजवा दे, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, ये जो अभी आपको इंटरिम अकाउंट दिखा रहे थे शकील, ये जो ये कंट्रोल अकाउंट्स है एक्चुअली, अब ये इंटरिम अकाउंट्स का जो पर्पस होता है ना कि जैसे ही आपका जीआरएन डले तो जीआरएन के वक्त वो कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर दे,
फॉर एग्जाम्पल जीएनएन के ऊपर जो वाउचर डालेगा वो क्या डाले, के आपका इन्वेंट्री अकाउंट जिसमें स्टॉक आप रिसीव कर रहे हो वो डेबिट करेगा जो वैल्यू है उससे, और क्रेडिट करेगा आपके पेबल को, नहीं करेगा क्योंकि अभी पेबल तो इनवाइस पे आना है, इंटरम इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक हो गया सर, कोई भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, सही। अब क्या होता है कि जब तक उसकी इनवॉइस पेंडिंग रहती है आपको कोई चैलेंज नहीं है, आपकी प्रोडक्ट रियल टाइम रियल रेट के ऊपर कंज्यूम हो रही होती है। अच्छा, अब जैसे ही उसकी इनवॉइस डलती है आप क्या करते हो, आप इस अकाउंट को इनवॉइस के ऊपर डेबिट करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इनवॉइस पे उसने रेट आपको बढ़ा दिया, उसने 25 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और क्वांटिटी भी उसने 100 की जो आप थी वो भेज दी, यानी सारी प्रोडक्ट्स में मल्टीपल शिपमेंट्स में भेज दी, आपकी 100 क्वांटिटी पूरी हुई, उसे इनवॉइस आपको भिजवा दी, तो नंबर वन वो क्या करेगा, इन्वेंट्री का जो अकाउंट है इसको करेगा डेबिट। इंटरम इन्वेंट्री, हां नहीं जाना बे, मैं भी जा रहा हूं, क्रेडिट करेगा आपके पेएबल को। ठीक है, पेएबल को किस वैल्यू से क्रेडिट करेगा, 25 के रेट से, यानी अगर यहाँ पे 25 है तो 2500। अब आपका इंटरम अकाउंट कितने पे हुआ हुआ है, क्योंकि उसको पीओ का रेट लगा है, ठीक है, ये 20 रुपीस था जी, 2000 से होगा, तो बाकी का डिफरेंस है ना, तो ये परचेज रेट वेरियंस अकाउंट। कई लोग एक अकाउंट बनाते हैं, कई लोग एक से ज्यादा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वो डेबिट का लैदा बनाते हैं, लॉस का लैदा, गेन का लैदा, यानी कई दफा डिस्काउंट भी मिल जाता है। परचेज रेट वेरियंस, ठीक है, अब इसका आपको फायदा क्या होता है, अब नॉर्मली ये जो अकाउंट है ना ये आपके परचेज की परफॉर्मेंस को भी दिखा रहा होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। मसलन अगर आपकी परचेज पीओ पे रेट फाइनल करने के बावजूद भी ज्यादा पैसे दे रहा है तो आप उसकी टोटल वैल्यू कितनी है वो यहाँ से दिखा रहे हो, ठीक है, अगर वो कुछ गेन कर रहा है मसलन पीओ के ऊपर उसने रेट दिया मगर बाद में कम दिया तो वो गेन की फॉर्म पे आ रहा होता है, तो इस तरह इस अकाउंटिंग के साथ और यहाँ पे जो बेसिकली वैल्यू आएगी क्योंकि 5 रुपए बढ़े थे 100 यूनिट के पीछे या जितना भी ये होगा, ठीक है, तो इस तरह ये अकाउंट दो डेबिट होंगे, ये क्रेडिट होगा इनवॉइस के ऊपर, तो आपकी इन्वेंट्री फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगी यूज होना, तो इसलिए किसी भी सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं आती कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो वेट कर रही है या आप उसको अभी यूज कर रहे हो, ठीक है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर पाए आप? जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे किसी का? इन्वेंट्री में एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इसमें रेट्स हैं, रेट्स कौन से होने हैं कहाँ पे किस तरह, तो याद रखें इन्वेंट्री में जहां जहां से इनपुट्स हो रही होती हैं, ठीक है, अब मैं आपके सामने वही फॉर्म पुराने वाला ओपन करता हूँ, ये फॉर्म हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, हमने कहा था कि यहाँ से स्टॉक इन होता है आउट होता है, अब मुझे कोई बताएगा इसमें से की एरियाज कौन से है जहां से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहां से स्टॉक इन और आउट हो रहा है और वहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मैटर करेगी? सर इसमें जीआरएन हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकती है, जीआरएन हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकती है, एडजस्टमेंट हो सकती है, और ये क्यों, बाकी सबसे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स बताए कि इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स है जहां से रेट की इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्यों?
प्रोडक्शन ऑर्डर आई थी, प्रोडक्शन ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक है आपने, प्रोडक्शन नोट भी। अच्छा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है याद रखें क्योंकि यहाँ से एक्सटर्नल इन्वेंट्री इनपुट हो रही है स्टोर में, ठीक है, इसलिए जब भी ये एक्सटर्नल इनपुट होती है आल्दो के वो हर दफा स्टॉक पे की वैल्यूएशन वो करता है, मगर यहाँ से बेसिकली कोर वैल्यूएशन होती है। अब आपका ये रेट एक्सटर्नल आ रहा है, ठीक है, आपके प्रोडक्शन से रेट पहली दफा इन्वेंट्री इन हो रही है, ठीक है, फर्स्ट इन हो रहा है और अपने साथ रेट लेके आ रहा है, एडजस्टमेंट से फर्स्ट इन हो रहा है रेट लेके आ रहा है। अब देखो सेल रिटर्न पे रेट, सेल रिटर्न पे वही रेट लगेगा जो सेल के वक्त था, ठीक है, तो इसलिए ये कोई मेजर या क्रिटिकलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सेल के ऊपर कौन सा रेट लगेगा, डिलीवरी नोट के ऊपर, वो रेट जिस पे आपने, या तो अगर ट्रेडिंग है तो आप जीरेंट से बाई करके सेल कर रहे हो, अगर प्रोडक्शन है तो आप प्रोडक्शन नोट से कर रहे हो, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा वो क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये तीन एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल जो रेट्स हैं वो यहाँ से इनपुट हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? जी जुबैर, ओके, जी सर, ओके, चले जी, ओवर टू यू। अच्छा इन्वेंट्री में ये वाला कितना हमारा अभी पार्ट रह गया है ताकि हम इसको करके फिर आज के लिए क्लोजिंग कर दें। इन्वेंट्री में बस अब डिलीवरी डालनी है। सॉरी आवाज नहीं आ रही आपकी। इन्वेंट्री में मैं कह रहा हूँ कि परचेज तो दिखा दिया है और स्टॉक दिखा दिया है, इन्वेंट्री काउंट भी दिखा दिया है, अब डिलीवरी डालनी है, डिलीवरी डाल के दिखा देते हैं उनको, और ट्रांसफर अगर वो कोई करना चाहते हैं तो ट्रांसफर भी दिखा देते हैं। ठीक है प्लीज, आपको अभी एक क्विक ओवरव्यू दे देते हैं, परचेज का ओवरव्यू दे दिया, इस तरह सेल का ओवरव्यू दे देंगे, ठीक है। परचेज में आपने देखा कि पीओ से उसने यहाँ से स्टार्ट किया है, पीओ और यहाँ पे इसमें गेट वगैरह नहीं है, ठीक है, और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मगर ये कस्टमाइज किया जा सकता है। मोस्टली परचेज का प्रोसेस में लोग कस्टमाइजेशन करवाते हैं कि वो गेट इन पास वगैरह या गेट इनवर्ट वगैरह डलवाते हैं, मगर वो उसको हम ओडो के जो 2-3 स्टेप फैक्टर्स हैं वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह सेल का प्रोसेस है, ठीक है, तो इस पर आप नेक्स्ट वीक पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आफ्टर प्रैक्टिस। ये शकील आप क्विकली सेल को कवर करके फिर हम इंशाल्लाह आज का सेशन एंड करते हैं। जी जी जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? अच्छा, हमने परचेज किया है तो उस पर चूंकि हमारा ऑटोमेटेड अकाउंटिंग वैल्यूएशन जो सिस्टम था ऑटोमेटेड वाला वो नहीं लगा हुआ था, हमने ऑटोमेटेड लगा लिया तो परचेज पे इसलिए वाउचर नहीं डले। तो अब हम सेल करते हैं तो सेल पे वाउचर डलेंगे ऑटोमेटिकली जब हम डिलीवरी डालेंगे और इस तरह इनवाइस बुक करेंगे, तो हम सेल पे वाउचर देख लेंगे। मैं जाता हूँ ऑर्डर्स में और सेल का प्रोसेस कोटेशन से स्टार्ट होता है लेकिन आप ऑर्डर भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं कोटेशन से स्टार्ट करता हूँ, हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, वही कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट के कौन सी प्रोडक्ट है जो मैं सेल करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास एक ही सेलेबल प्रोडक्ट है तो मैं ये करता हूँ कि प्रोडक्ट एक और सेलेबल ओपन कर लेता हूँ। चीज़ बर्गर है सो कि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और हो जाए, मैं एक और सेलेबल प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। चीज़ सैंडविच के नाम से ओपन कर लेता हूँ। पोस्ट इसकी मैं डाल देता हूँ कि ये मुझे 100 का पड़ता है और सेल प्राइस है इसकी 350। कैटेगरी इसके साथ लगी हुई है ऑल, ऑल के साथ मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है अकाउंट्स की। ओके, तो अब हम प्रोसीड करते हैं।
प्रोडक्ट हमारी दो ओपन हो गई हैं। अब मैं करता हूँ सेल की ट्रांजैक्शन, हम ऑर्डर पे जाते हैं, कोटेशन पे, कोटेशन डालूँगा, कस्टमर सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट डालूँ मैं, कंट्रीज की बंदा बल्कि दो डाल देता हूँ और इसकी भी क्वांटिटी में डाल देता हूँ। एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैंने इसलिए आइटम नई बनाई है कि जो ऊपर वाली आइटम है उसके साथ देखें, ये जो ग्राफ आ रहा है वो पर्पल कलर का शायद, और ये जो आ रहा है ये रेड है। ऊपर वाली आइटम चूंकि हमने अभी परचेज की है और उसका स्टॉक अवेलेबल है, नीचे वाली आइटम का स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो वो उसको रेड दिखा रहा है ग्राफ को। ये स्टॉक का इसका ग्राफ है, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उस आइटम का डिटेल भी दिखा देगा कि फोरकास्टेड भी जीरो है, अवेलेबल भी जीरो है। फोरकास्टेड का मतलब होता है कि अगर उसकी कोई ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस है परचेज की या सेल की, तो उसको सिस्टम फोरकास्टेड में लेके दिखा रहा होता है कि इतना फोरकास्टेड इसका होगा। और व्यू फोरकास्ट अगर आप करेंगे तो इसको और डिटेल में उसके ग्राफ वगैरह पे आपको ले जाएगा कि इसका फोरकास्ट क्या है। तो अभी ये जीरो ही है तो इसके लिए इसकी सारी डिटेल जीरो आ जाएगी। तो अगर इसका हो स्टॉक तो यहाँ पे आपको फोरकास्टेड में अगर उसकी जो एंट्रीज पेंडिंग है वो दिखाता है। अभी देखें ये कोटेशन मैंने एक डाली है तो वो दिखा रहा है -2 की, कि ये -2 होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये भी एक आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि उर्दू चूंकि रोकता नहीं है, अगर आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये स्टॉक के बगैर भी दो डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता देता है वो कि भाई इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब इसको सेल ऑर्डर को, मेरा सेल ऑर्डर डल तो चुका है, मैं इसको कन्फर्म करूंगा अब। अच्छा, इसके सेल ऑर्डर के ऊपर और भी ऑप्शंस हैं, जब हम फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर आप ऑटोमेशंस कर सकते हैं सिस्टम में, कि जैसे ही मेरा ये सेल ऑर्डर डले इन दोनों का, तो ये दोनों अगर आपने मैन्युफैक्चर करनी है तो इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर भी डाल दिया ऑटोमेटिकली। अच्छा, उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के बाद और भी सेटिंग है कि अगर उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में कोई ऐसी आइटम है जो आपके स्टॉक में नहीं अवेलेबल होती, आपने उसको परचेज करना है, तो उसका परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिकली डाल दे, या इवन अगर स्टॉक में होती भी है तो सिस्टम देखेगा कि अगर उस वक्त उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के टाइम पे वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो उसका परचेज ऑर्डर भी डाल देगा साथ। या तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर करना होता है कि मेरे स्टॉक में तो है, मैंने उसको कंज्यूम कर लेना। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ बर्गर के लिए आपको ब्रेड चाहिए, तो आपके स्टॉक में तो है ब्रेड, आपने वो कंज्यूम कर लेनी है, लेकिन आपकी पॉलिसी है कि मैं जितना कंज्यूम करूँ मैं उसकी रिप्लेनिशमेंट भी प्रोसीड कर दूँ उतनी। तो ये भी ऑप्शन इसमें होता है कि वो उसका आपको स्टॉक में अवेलेबल तो आपको कर देगा ट्रांसफर के लिए, साथ ही उसका परचेज ऑर्डर भी जनरेट कर देगा कि इतनी ये यूज होनी है, इसको इतना रिप्लेनिश कर लें, स्टॉक में दोबारा अवेलेबल कर लें। तो ये इतनी ऑटोमेशन आप इसमें उर्दू में कर सकते हैं। ये सारे रूल्स हैं, वो आप रूल्स डिफाइन कर सकते हैं उर्दू में। राउट्स ही हैं बेसिकली, जो राउट मैंने भी आपको पहले बताया, राउट्स में आपने डिफाइन करना होता है कि ये मेरा सेल ऑर्डर डले तो स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चला जाए, मैन्युफैक्चरिंग में अगर स्टॉक अवेलेबल कोई नहीं है बनाने के लिए तो वो परचेज की तरफ चला जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सेल ऑर्डर डाला, कंफर्म किया, तो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा मेरी 3 डिलीवरीज उसने डाल दी हैं, क्योंकि मैं आपको याद है मैंने 3 स्टेप ऑन किया था वेयर हाउस पे डिलीवरी के लिए, इनकमिंग के लिए सेम रखा था, डिलीवरी के लिए मैंने 3 स्टेप ऑन किया था। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपको पता लग रहा होगा कि पहले वाले के साथ रेडी आ रहा है, दूसरा वेटिंग अनदर ऑपरेशन, और तीसरा भी वेटिंग अनदर ऑपरेशन है। तो अगर मैं इस रेडी वाले को डन करूंगा तो ये वाला रेडी हो जाएगा प्रोसीड करने के लिए, इसको डन करूंगा तो तीसरा रेडी हो जाएगा प्रोसीड करने के लिए। एक और इसमें मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ, अगर मैं इसको ग्रुप बाई कर दूँ ऑपरेशन टाइप पे तो ये आपको अब देख पता लगेगा। अब सबसे पहले आपका पिक है, आपने पिक करनी है इन्वेंट्री, ठीक है, और कहाँ पे लेके जानी है, पैक वाले पैकिंग जोन के पास, फिर पैक में आएगी। ठीक है, और पैकिंग जोन के बाद फिर आपने वो डिलीवरी वाली कर देनी है, उसकी पैकिंग के बाद की डिलीवरी हो गई है ट्रांसफर कर देना है। तो सबसे पहले मैं अगर इसको एक्सपेंड करूंगा, मैंने ऑपरेशन टाइप पे इसको ग्रुप किया है कि किस ऑपरेशन में ट्रांसफर डाल रहा है। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग जोडू में है, ये सारे आप इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप कोई चाहें कि पिक को मैं कोई और पिकिंग या कोई और करना चाहता हूँ आप कर सकते हैं, डिफाइंड है, ये डिफॉल्ट है, आप अपने चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अगर एक्सपेंड करूँ तो ये रेडी होगा। ठीक है, ये देखें ये रेडी है कि सबसे पहले आपने पिक करना है मेन वेयर हाउस से। अच्छा, उसको पिक करके कहाँ पे पहुँचाना है, आपने पैक में। ठीक है, पैकिंग वाला वेटिंग फॉर अनदर होगा, जब आप पिक वाले को रेडी डन कर देंगे तो इसका मतलब पैकिंग में आ गया, तो ये रेडी हो जाएगा, आपने पैक करके फिर इसको पैकिंग वाले को डन करना है।
जब आप पैकिंग वाला डन कर देंगे तो इसका मतलब आप रेडी फॉर डिलीवरी हैं, तो ये आपका रेडी हो जाएगा और आपने डिलीवर करना है। ठीक हो गया। तो पहले हमने बारकोड वाले से, मैंने बारकोड की ऐप से आपको प्रोसेस करके दिखाया था, आप बारकोड वाली ऐप के बगैर भी कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से करेंगे तो आपको दोनों जो हैं वो एक आपको व्यूज़ मिल जाएं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ट्रांसफ़र पे, ठीक है। तो ये देखें सिस्टम ने ऑलरेडी इसको रिजर्व कर लिया हुआ है, लेकिन सिर्फ उसने एक आइटम रिजर्व किया क्योंकि एक चीज़ बर्गर की आइटम अवेलेबल है, दूसरी आइटम अवेलेबल नहीं है, दूसरी आइटम थी सैंडविच। तो अगर मैं ये डिटेल्ड ऑपरेशन है ऑपरेशन में आऊँगा तो वो दोनों यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ठीक है। आप डिलीवर कर सकते हैं सैंडविच भी, लेकिन डिटेल्ड ऑपरेशन में आएंगे तो वो यहाँ पे बता देते हैं कि आपके पास अवेलेबल एक ही है तो आप एक ही कर सकते हैं। तो मैं बहरहाल इसके साथ ये करता हूँ कि हम एक के साथ ही प्रोसीड करते हैं, दूसरी को रहने देते हैं। आपको दिखाने के लिए डाली थी, मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा हाँ सॉरी, वो कह रहा है कि चूंकि ये दूसरे ऑपरेशन में भी आइटम चली गई हुई है तो आप यहाँ से इसको डिलीट नहीं कर सकते, तो मैं एक काम करता हूँ उसको जीरो के साथ मूव करते हैं हम। अच्छा, जो आपने क्वांटिटी रिजर्व ऑटोमेटिकली करता है सिस्टम, जो आप डन में डालेंगे वो सिस्टम फिर उसको डन करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खुद भी टू डाल सकते हैं कि मैं टू करने लगा हूँ, और दूसरा इसमें ऑप्शन होता है कि यहाँ पे सिस्टम आपको सेट क्वांटिटीज का ये बटन दे रहा है, आप करें तो जितनी रिजर्व होती हैं टू डन में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। मैं इसको करता हूँ, मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे वो एक ही आइटम वैलिडेट हो गई है जो मैंने डन की थी, और डिटेल ऑपरेशन में भी एक आ गई है, ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं आपको दोबारा वापस ट्रांसफर्स वाली स्क्रीन पे जाऊं, पहले मैं सेल ऑर्डर से गया था, अब हम इन्वेंटरी से जाते हैं। तो पहले जो हमारा ट्रांसफर था आपको याद होगा वो पिक था, ठीक है। तो ये देखें इसमें सिस्टम इस तरह भी व्यू देता है आपको कि ये एक, इसको आप कह लें कि कैनबन व्यू इसको कहते हैं, तो इसमें आपको व्यू दे रहा है, तो आपको यहाँ से जाके इसको भी आप ग्रुप कर सकते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेशन वाइज इसको ग्रुप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे ये रिसीट के ऑपरेशन है, ये इंटरनल ट्रांसफर के ऑपरेशन है, ये मैन्युफैक्चरिंग के हैं और ये डिलीवरी के हैं, ठीक हो गया। अब डिलीवरी में मैंने पिक परफॉर्म कर लिया, सॉरी इंटरनल ट्रांसफर है, डिलीवरी में बाद में आएगा। और ये चूंकि हमारे तीन वेयर हाउसेज हैं, क्योंकि एक वेयर हाउस RUBS कंपनी का और दो उसकी ब्रांच के, एक लाहौर का और मुल्तान का, इसलिए ये आपको तीन तीन दफ़ा नज़र आ रहे हैं। आप ये ना कन्फ्यूज हो डिलीवरी ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग तीन तीन दफ़ा क्यों आ रहा है, वो वेयर हाउस वाइज सिस्टम ऑपरेशन बनाता है। तो आपके जिस वेयर हाउस का होगा उसी के वेयर हाउस के ऑपरेशन में जाएगी आपकी एंट्री। तो मैंने पिक कर लिया, तो आप देखें पैक में एक आ गया वन टू प्रोसेस, कि आपने एक प्रोसेस करना है, जो आपने पिक कर लिया अब वो पैक में आ गया, अब आपने पैकिंग करके उसको प्रोसेस करना है। फिर क्लिक करूँगा तब देखें उसका स्टेटस जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं वापस उसी व्यू की तरफ आऊँ जो आपको पहले दिखाया है, तो मैं डिफरेंट व्यूज़ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, आप डिफरेंट जगहों से आएंगे तो डिफरेंट व्यूज़ वो सिस्टम दिखाता है। सेल ऑर्डर से आऊँगा तो इस पर जो मेरे पास ये डिलीवरीज आ रही हैं इस पर आऊँगा, तो अब देखें पहले वाली डन हो गई है और उससे ऊपर वाली रेडी हो गई है। अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊँ, इसको मैं ग्रुप बाई कर लूँ ऑपरेशन टाइप, पिक में पहले एक था अब दो है, कोई बता सकता है क्यों? एक के साथ डन है, एक के साथ वेटिंग है। अगर आप लोग जाग रहे हैं तो बता सकते हैं, इसमें मोइन भी बता सकता है। बेसिकली हमारे दो आइटम थे ना, एक का स्टॉक अवेलेबल था और दूसरे का नहीं था, तो जिसका स्टॉक अवेलेबल था वो हमारा पैक पिक से पैक में चला गया और जो पहले वाला वो उधर ही पिक में पड़ा हुआ। हाँ जी, तो क्या होता है कि अगर आपके आइटम ज़्यादा हैं या इवन क्वांटिटी भी कम आप करें तो ऐसे ही करता है। अगर आपके या एक आइटम की सेल ऑर्डर है 10 का, तो आप डिलीवरी सिर्फ 5 ही कर रहे हैं, तो 5 इसको ओडू बैक ऑर्डर बेसिकली कहता है। तो एक बैक ऑर्डर उसने ऑटोमेटिकली एक बैक शिपमेंट ऑर्डर आपके लिए क्रिएट कर दिया, कि आपके लिए एक उसने नया ऑपरेशन ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जिसमें वही आइटम होगी जो आपने डिलीवर नहीं की, तो वो अभी भी वेटिंग में है, ठीक है। तो उसको उसने नंबर भी ऑटोमेटिकली टू लगा दिया। एक आपका डन हो गया, जो आपका डन हो गया वही आ गया आपके लिए रेडी है।
तो अगर मैं अगलों में भी जाऊंगा तो अगलों में भी मैं वही आइटम करूंगा तो उनमें भी वो वाली जो आइटम है वो वेटिंग रहेगी, बाकी डन डन होते जाएंगे। तो मैं अभी उसको प्रोसीड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके भी ऑपरेशन में ये दो आइटम्स आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन डिटेल ऑपरेशन में वो एक ही है। तो हमने चूंकि इसी के साथ प्रोसीड करना है और यही रिजर्वड है, तो मैं इसको वैलिडेट करूँगा। पहले सेट क्वान्टिटीज करूँगा, तो डन टू हो गई। अब इसको मैं वैलिडेट करूँगा, ठीक है, वापस आता हूँ। उसके बाद मेरा ये है, दोबारा ग्रुप में ऑपरेशन करता हूँ, पैक मेरा हो गया, मेरा डिलीवरी ऑर्डर है, पैक देखें आप रेडी हो गया है और अब मेरा डिलीवरी ऑर्डर है। अच्छा, अगर आप ये कहें कि इसमें दो क्यों नहीं आए, तो वो जब मैं स्क्रीन रिफ्रेश करूँगा तो उसमें आ जाएंगे। तो अभी इसको मैं रेडी जो हो गया इसको डन करता हूँ, इसको मैं सेट क्वान्टिटीज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसके साथ डिलीवर कर दूंगा, टू चूंकि अवेलेबल है, वैलिडेट इनकम्पैटिबल कंपनीज ऑन रिकॉर्ड्स, चीज़ बर्गर बिलोंग्स टू कंपनी आर यू बी एस एंड जनरल एंट्री अकाउंट मूव आई डी एस टी जे वेयर हाउस आउट चीज़ बर्गर बिलोंग्स टू एन अदर कंपनी। ओके, अभी डिलीवरी स्टेप के ऊपर उसकी उससे जी नेक्स्ट है इनवॉइस। हाँ जी, ठीक है, चले मेरे ख्याल में कोर कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर गए हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। याद रखें डिलीवरी के ऊपर वो दो वाउचर डालता है, ठीक है, एक वाउचर कास्ट रेट का होता है, दूसरा वाउचर प्राइस पे होता है जिस पे आप सेल प्राइस कर रहे हो। तो ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है कि ये वो वह डॉक्यूमेंट है जिस पे डुअल वाउचर डल रहा होता है। इस तरह इसकी रिटर्न पे भी डबल वाउचर होता है, एक कॉस्ट रेट पे वो रिटर्न लेता है, एक सेल प्राइस पे रिटर्न लेता है। ठीक, कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। इसका चेक कर लेते हैं, ये अकाउंटिंग के कॉन्फ़िगरेशन का कोई एरर है, चेक करके नेक्स्ट सेशन में रिजॉल्व करके दिखा देंगे। अच्छा, नॉर्मली ये एरर्स वगैरह इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने करते हैं और हमें हमारे पास टेस्टिंग का टाइम नहीं होता, गुंजाइश नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए कोई ना कोई ऐसी कमी पेशी रह जाती है। मगर जब हम ये क्लाइंट के पास करते हैं तो उससे पहले हम खुद अपनी वैलिडेशन टेस्टिंग वेरिफिकेशन सारी कर लेते हैं, तो इसलिए फिर हमें वहाँ पर चैलेंजेस नहीं होते ये। ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं इसके अलावा? ऑलराइट, तो शकील सेशन एंड करें आज का? जी ठीक है सर, कोई मसला नहीं। आप स्क्रीन ऑफ कर लें काइंडली, आप सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लें ताकि हम एक फोटो ले लें, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लें स्माइलिंग फेस के साथ। मोहसिन और जुबैर ऑफिस में लग रहे हैं आप लोग। हमारा एंड हुआ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इंशाल्लाह मैं ग्रुप में बोल करवा लूंगा, आप लोगों से अवेलेबिलिटी भी देख लेंगे हम शकील साहब की।
तो हमारे लिए आइदर वो सैटरडे सूटेबल है या हमारे लिए संडे सूटेबल है, तुम्हारी कोशिश होगी उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। मैं नेक्स्ट एक से दो दिन में ये सारी की सारी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगी आप लोगों के रिव्यू के लिए, तो आप लोग इनको स्टडी करके नेक्स्ट सेशन में अपने क्वेश्चंस के साथ आ सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी टू लर्न है, यूजर फ्रेंडली है, बहुत इफेक्टिव है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस हैं अब वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं। बहुत स्टार्ट में आज सेशन के स्टार्ट में हमने दो वर्जन की बात की थी, कम्युनिटी की और एंटरप्राइज की। बेसिकली एंटरप्राइज जो वर्जन है वो अब इसलिए या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन इसलिए ज़्यादा वैल्यू गेन कर रही है, वो कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है। अब देखें $7 to $10 पर यूजर पर मंथ में सारा ERP वो आपको दे रहा है, तो इससे इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल क्या हो सकता है, ठीक है। या आप $10 में सारा ERP यानी 30-40 एप्लीकेशन वो आपको देता है, तो इसी वजह से अब शायद जो लोकल सिस्टम्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो हम आज का सेशन एंड करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। अली जीशान साहब, और किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ कहना चाहते हो या कोई ऐसा फीडबैक देना चाहते हो ताकि हम इस सेशन को और बेहतर कर सके आप लोगों के लिए फॉर नेक्स्ट सेशन? ओके, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट। बाकी ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहिएगा, हम उसमें डिस्कशंस वगैरह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। जी फुरकान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हेलो फुरकान, आप मुझे सुन पा रहे हैं?